सलमान खान क्यों चाहते हैं कि करण अर्जुन का सिक्वल बनना चाहिए? करण अर्जुन फिल्म का सबसे पहले क्या नाम था और इस फिल्म में जबरदस्ती कौन सा गाना फिल्माया गया था? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। सलमान खान और शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन को करीब 25 साल पूरे हो गए। ये फिल्म 13 जनवरी 1995 में रिलीज हुई थी। इसे राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था। विलन के किरदार में अमरीश पुरी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। करण अर्जुन के लिए पहली पसंद शाहरुख और सलमान नहीं बल्कि कोई और था। सनी देओल और अजय देवगन को ये फिल्म ऑफर की गई थी। हालांकि दोनों के मना करने के बाद ये रोल शाहरुख और सलमान की झोली में आया था। करण अर्जुन साल 1995 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। करण अर्जुन की अधिकतर शूटिंग राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में हुई थी। उस वक्त गर्मी का मौसम था। सलमान खान शाहरुख खान स्टारर फिल्म करण अर्जुन का पहला नाम कायनात था, लेकिन बाद में फिल्म का नाम करण अर्जुन रखा गया। फिल्म में जो रोल काजोल ने निभाया है शाहरुख के साथ, पहले उस रोल के लिए एक्ट्रेस जूही चावला को चुना गया था। करण अर्जुन से पहले सलमान खान ने कोई भी एक्शन फिल्म नहीं की थी, इसलिए उनकी बॉडी भी कुछ खास नहीं थी। बेशक इससे पहले सलमान अपनी फिल्मों में शर्टलेस नजर आए हों, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्होंने अपनी बॉडी पर बहुत काम किया था। सलमान ने इसी एक्शन फिल्म के लिए बॉडी बनाकर पहली बार अपनी शर्ट उतारी थी, जिसे दर्शक ने खूब पसंद किया था। इस फिल्म को राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन ने असिस्ट किया था। करण अर्जुन के लिए म्यूजिक बनाने का जिम्मा डायरेक्टर राकेश के भाई राजेश रोशन को दिया गया था। फिल्म का एक गाना जाती हूं मैं जल्दी है क्या, राकेश रोशन के कहने पर जबरदस्ती रिकॉर्ड किया गया। गाने में शाहरुख और काजोल की हिट जोड़ी थी। गाना रिलीज होने के बाद बहुत हिट हुआ था। अब सलमान खान का कहना है कि करण अर्जुन का सिक्वल बनना चाहिए। क्या करण अर्जुन के सिक्वल में सनी देओल और अजय देवगन होंगे? करण अर्जुन के लिए राकेश रोशन की पहली पसंद कौन थी? करण अर्जुन के सिक्वल की शूटिंग कब से शुरू हो रही है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। 1995 में रिलीज हुई फिल्म करण अर्जुन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार सफलता हासिल की। इस मूवी में सलमान खान ने करण और शाहरुख खान ने अर्जुन का रोल अदा किया था। निर्देशक थे राकेश रोशन। लेकिन सलमान खान और शाहरुख खान इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे। राकेश रोशन ने अजय देवगन को करण और सनी देओल को अर्जुन का रोल ऑफर किया था। दोनों को रोल भी पसंद आ गए थे। सनी देओल उस समय बड़े सितारे थे। उन्होंने राकेश रोशन से बहुत ज्यादा फीस मांगी। राकेश रोशन कभी भी सितारों को उनका बाजार मूल नहीं देते थे, इसीलिए उन्होंने सनी की मांग को मानने से इनकार कर दिया। ना सनी ने भाव कम किए और ना राकेश ने भाव बढ़ाए। नतीजा यह निकला कि सनी और राकेश ने एक दूसरे के साथ काम करने का इरादा छोड़ दिया। सनी के फिल्म से अलग होते ही शाहरुख खान को अर्जुन का रोल ऑफर किया गया। राकेश रोशन ने फिर एक बार अजय और शाहरुख को स्क्रिप्ट सुनाई। इस बार अनोखी बात हुई। शाहरुख को करण के रोल में और अजय को अर्जुन के रोल में दम नजर आया। दोनों ने अपने रोल बदलने की गुजारिश की, लेकिन राकेश ने बात नहीं मानी। अब खफा होने की बारी अजय की थी। डेट्स का बहाना बनाकर अजय ने फिल्म छोड़ दी। राकेश का ये रुख देख अर्जुन का रोल करने के लिए शाहरुख राजी हो गए। करण का रोल आमिर खान को ऑफर किया, लेकिन उन्होंने फिल्म ठुकरा दी। आखिरकार अंत में ये भूमिका सलमान खान ने निभाई। फिल्म बनी और सुपरहिट रही। हीरोइन के रूप में फिल्म में काजोल और ममता कुलकर्णी नजर आई थी। ये दोनों भी पहली पसंद नहीं थी। जूही चावला और रवीना टंडन को फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन वे किसी कारण से कर नहीं पाई थी। अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो कहा जा रहा है कि राकेश रोशन चाहते हैं कि इसके सिक्वल में सनी देओल और अजय देवगन होने चाहिए, क्योंकि वो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। सनी देओल और अजय देवगन को अपने डायरेक्शन में वो एक साथ फिल्म करते देखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही एक्टर एक्शन और रोमांस और कॉमेडी इन सब चीजों से भरपूर है। शाहरुख और सलमान नहीं बल्कि करण अर्जुन के लिए कौन दो भाई थे डायरेक्टर राकेश रोशन की पहली पसंद? क्या करण अर्जुन के सीक्वल में सलमान खान और शाहरुख खान फिर से काम करेंगे? क्या इस लॉकडाउन के चलते डायरेक्टर राकेश रोशन ने इसके सीक्वल की कहानी लिख ली है?
नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। 90 के दशक में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी करण अर्जुन, जिसे कोई नहीं भुला सकता। इस फिल्म से सलमान खान और शाहरुख खान के करियर को ऊंचाइयां मिली। ये उस वक्त इन दोनों के करियर के लिए काफी जरूरी फिल्म भी रही थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और दोनों ही स्टार्स की जुगलबंदी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और ये फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए सलमान खान और शाहरुख खान डायरेक्टर राकेश रोशन की पहली पसंद नहीं थे, बल्कि दो ऐसे भाई थे जो रियल ब्रदर थे, उनको डायरेक्टर राकेश रोशन इस फिल्म में लेना चाहते थे। तो वो कौन दो सगे भाई थे जिनको डायरेक्टर राकेश रोशन ने इस फिल्म में लेने की बात कही थी? सनी देओल को तो आप सभी जानते हैं। सनी देओल अपने टाइम के काफी अच्छे एक्टर रहे हैं, उनकी कई हिट फिल्में रही हैं जो लोगों को आज भी याद रहती है। उनका वो लुक सबको याद रहता है, उनका एंग्री लुक, उनके डायलॉग्स हर किसी की जुबान पर रहते हैं। 1983 में उन्होंने फिल्म बेताब से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें उनके साथ अमृता सिंह नजर आई थी और ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के गाने भी काफी ज्यादा पसंद किए गए थे। तो वहीं सनी देओल के भाई यानी कि बॉबी देओल ने 1995 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था फिल्म बरसात से। ये फिल्म भी उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही थी और दर्शकों ने इस फिल्म को भी खूब पसंद किया और इसके गाने भी खूब ज्यादा हिट हुए थे। वहीं क्या आप जानते हैं कि डायरेक्टर राकेश रोशन इन दोनों भाइयों को करण अर्जुन में लेना चाहते थे? जी हाँ, रियल ब्रदर्स को। लेकिन जब राकेश रोशन सनी देओल के पास इस फिल्म का ऑफर लेकर गए तो सनी देओल ने फिल्म में काम करने के लिए तो हाँ कर दी, उनको स्क्रिप्ट भी काफी पसंद आई। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म में बॉबी देओल को भी कास्ट किया जा रहा है, तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि वो अपने भाई के साथ फिल्म में काम नहीं करना चाहते थे। इसके बाद राकेश रोशन गए अजय देवगन के पास। अजय देवगन ने भी इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि वो शाहरुख खान के साथ काम नहीं करना चाहते थे। इसीलिए फाइनली इस फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान को कास्ट किया गया और फिल्म आप सबके सामने है कि ये फिल्म कितनी बड़ी हिट रही है। वो कहते हैं ना, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। शायद ये फिल्म अजय देवगन या बॉबी देओल या सनी देओल की किस्मत में ही नहीं थी, ये फिल्म सलमान खान और शाहरुख खान के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। और कई दिनों से इस फिल्म के सीक्वल की चर्चा भी बॉलीवुड में जोरों से हो रही है और सब चाहते भी हैं कि इस फिल्म का सीक्वल बनाया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी बॉलीवुड कल्ट फिल्म रही है तो जाहिर सी बात है फिल्म का सीक्वल जरूर बनना चाहिए। इनफैक्ट इन दिनों ऐसी चर्चा हो रही है कि राकेश रोशन शायद इस लॉकडाउन के चलते इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और हो सकता है कि इस लॉकडाउन के खत्म होने के बाद इस फिल्म की हमें अनाउंसमेंट भी सुनने को मिल जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब करण अर्जुन फिल्म बनी थी तब शाहरुख खान और सलमान खान इतने बड़े स्टार्स नहीं थे, उन दोनों ने साथ में काम कर लिया था, उतनी दिक्कतें नहीं आई। लेकिन क्या आज इस समय जब वो बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार्स बन चुके हैं, क्या वो एक साथ इस फिल्म में काम करने को राजी होंगे या किसी और को कास्ट किया जाएगा? वेल, आप क्या चाहते हैं? क्या आप सलमान खान और शाहरुख खान को ही इस फिल्म में देखना चाहते हैं, या आपको क्या लगता है इन दोनों की जगह और कौन स्टार्स ले सकता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज। करण अर्जुन बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों में क्यों शामिल की गई है? क्या इस फिल्म का पार्ट टू बनेगा? सलमान खान ने किसके लिए बॉडी बनाकर पहली बार अपनी शर्ट उतारी थी? आमिर खान ने करण अर्जुन फिल्म क्यों नहीं की थी? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। करण अर्जुन वो पहली फिल्म थी जिसमें सलमान खान और शाहरुख की जोड़ी पर्दे पर पहली बार नजर आई थी। इन दोनों के अलावा इस फिल्म में काजोल, ममता कुलकर्णी, राखी और अमरीश पुरी भी मुख्य भूमिकाओं में थे। करण अर्जुन उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शाहरुख और काजोल की जोड़ी ही थी। ये फिल्म पहले आमिर को ऑफर हुई थी और उन्हें इसकी कहानी भी पसंद थी, लेकिन
जैसा कि बॉलीवुड की अधिकतर फिल्मों में होता है। इस फिल्म की कास्टिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। डायरेक्टर राकेश रोशन सबसे पहले फिल्म में सलमान खान और आमिर खान को लेना चाहते थे। सलमान तो मान गए, लेकिन आमिर ने बोला कि फिल्म की कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो खुद को इसमें नहीं देख पा रहे हैं। मतलब वो इस फिल्म से सेटिस्फाइड नहीं थे। इसके बाद राकेश ने सलमान वाले कैरेक्टर यानी करण के लिए अजय देवगन को अप्रोच किया और दूसरे लीड के लिए शाहरुख को। इसके पीछे वजह ये थी कि अजय लगातार दिलवाले, विजयपथ, कानून, सुहाग जैसी एक्शन फिल्में करने के बाद कोई रोमांटिक रोल करना चाहते थे, जबकि शाहरुख का मामला ठीक उसके उलट था। वो पहला नशा, कभी हाँ कभी ना, राम जाने और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी रोमांटिक फिल्मों के बाद कोई एक्शन फिल्म चाहते थे। राकेश रोशन की इस फिल्म में दोनों के लिए भरपूर मसाला था, लेकिन अजय ने किसी वजह से ये फिल्म छोड़ दी। आखिर में फिल्म सलमान और शाहरुख के साथ बनी। जहां शाहरुख सीन में घुस जाते, वहीं सलमान बीच में जाकर अपना चेहरा साफ करने लगते। फिल्म के फर्स्ट हाफ में एक सीन है जहां दुर्जन सिंह करण अर्जुन का कत्ल कर देता है। वो सीन भरी दोपहरी में बालू पर शूट हो रहा था। एक्टर्स को शूट करने में बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि गर्मी बहुत थी। ऊपर से बालू पर गिरने से उनका मेकअप भी खराब हो जा रहा था। कई बार यूं होता कि शूटिंग के दौरान शाहरुख पूरी तरह से सीन में घुसे होते थे और सलमान बीच शॉट में अपना चेहरा साफ करने चले जाते। वो चाहते थे कि स्क्रीन पर उनका चेहरा अच्छा और साफ सुथरा दिखे। ये सीन इसी तरह शूट हुआ और फिल्म में भी लिया गया। आज भी आप फिल्म में देख पाएंगे जहां शाहरुख के चेहरे पर बहुत सारी बालू चिपकी है, वहीं सलमान के चेहरे पर सिर्फ पसीना है। करण अर्जुन की अधिकतर शूटिंग राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में हुई थी। फिल्म की लीड हीरोइन ने सलमान और शाहरुख को एक साथ झाड़ दिया था। फिल्म करण अर्जुन में एक गाना है, आजा आजा भंगड़ा पाले। इसे चिन्नी प्रकाश ने कोरियोग्राफ किया था। फिल्म में शाहरुख के साथ काजोल और सलमान के साथ ममता कुलकर्णी थी। गाने के एक हिस्से की शूटिंग खत्म होने के बाद ममता ने सीटी मारकर सलमान और शाहरुख को अपने पास बुलाया। पहले तो एक्टर्स को लगा किसी और को बुला रही होंगी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। सलमान ने शाहरुख को कहा कि वो उन्हें बुला रही हैं। शाहरुख जैसे ही ममता के पास पहुंचे, ममता ने हड़काना शुरू कर दिया। ममता ने कहा कि इस सीन में उनके स्टेप्स बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन उन दोनों के डांस की वजह से ये गाना खराब हो रहा है। साथ ही अगले दिन से सेट पर रिहर्सल करके आने का भी आदेश दिया। वैसे सलमान और शाहरुख का मानना था कि हमने एकदम सही डांस किया है। इसके बाद से शाहरुख और सलमान रोज सुबह 5 बजे उठकर उस दिन शूट होने वाले हिस्से की प्रैक्टिस किया करते थे और फिर सेट पर जाते थे। जब इस गाने के आखिरी हिस्से की शूटिंग चल रही थी, तब कोरियोग्राफर ने ममता से कहा कि ये दोनों लड़के बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपके स्टेप गड़बड़ हैं। ये सलमान और शाहरुख के लिए प्राइड वाला मूवमेंट था। फिल्म का सबसे हिट गाना शुरू में ही रिजेक्ट कर दिया गया था। करण अर्जुन के लिए म्यूजिक बनाने का जिम्मा डायरेक्टर राकेश के भाई राजेश रोशन को दिया गया था। राजेश एक दिन यूं ही फिल्म से रिजेक्ट किए गए सभी गाने सुनने लगे। उसमें से एक गाना उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने उसे फिल्म में इस्तेमाल करने का मन बना लिया। राजेश का मानना था कि ये गाना अधूरा है और फिल्म के लिए फिट भी नहीं है, लेकिन राकेश के कहने पर वो गाना जबरदस्ती रिकॉर्ड किया गया, उसे फिल्माया गया और शाहरुख और काजोल की हिट जोड़ी पर वो गाना रिलीज होने के बाद बहुत हिट हुआ। गाना था जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या। सलमान ने इसी एक्शन फिल्म के लिए बॉडी बनाकर पहली बार अपनी शर्ट उतारी थी। इस फिल्म से पहले सलमान ने कोई प्रॉपर एक्शन फिल्म नहीं की थी, इसलिए उनकी बॉडी भी कुछ खास नहीं थी। लेकिन इस फिल्म से पहले सलमान ने अपनी फिजिक पर बहुत काम किया था और जबरदस्त बॉडी बनाई। इस फिल्म में उनकी बॉडी देखकर उनके डायरेक्टर भी बहुत इंप्रेस हुए थे। करण अर्जुन में असिस्टेंट रहे राकेश रोशन के बेटे ऋतिक ने कहो ना प्यार से बॉलीवुड में एंट्री लेने वाले थे, लेकिन तब उनकी फिजिक भी बिल्कुल लीन थी। राकेश रोशन के कहने पर सलमान ने ऋतिक को बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी। उसके बाद ऋतिक भी बिल्कुल फिटनेस फ्रीक हो गए। आज ऋतिक को बॉलीवुड में सबसे फिट बॉडी वाला एक्टर माना जाता है। तो दोस्तों, ये तो तय है कि इस फिल्म का सीक्वल जरूर बनेगा और इस बार भी इस फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ही होंगे, लेकिन उनके अपोजिट किस एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा इस बात पर कोई खुलासा नहीं किया गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म के सीक्वल बनाने के लिए राइट्स को नए प्रोड्यूसर्स को बेच दिया है और इस फिल्म की कहानी पर अभी काम चल रहा है। जैसे ही इस फिल्म की स्क्रिप्ट बनकर तैयार होती है,
इसकी शूटिंग भी जल्द से जल्द शुरू की जाएगी और इस बार इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर शूट किया जाएगा, यानी कि इस फिल्म को हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी शूट किया जाएगा। और इस फिल्म में अमरीश पुरी वाला रोल कौन करेगा, यानी कि इस बार कौन सा खलनायक होगा, कौन सा नया चेहरा होगा खलनायक के रूप में, इस बात पर अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन सूत्रों की माने तो अभी एक नए खलनायक की तलाश जारी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, शाहरुख खान और सलमान खान दोनों मिलकर कुछ बड़ा धमाका कर पाएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीक्राद स्टूडियोज। सलमान और शाहरुख खान की जोड़ी एक बार क्या फिर पर्दे पर लौटेगी? राकेश रोशन ने करण अर्जुन के सिक्वल के लिए किससे बात की है? सलमान और शाहरुख को एक साथ किसने झाड़ दिया था? सलमान ने किस एक्शन फिल्म के लिए बॉडी बनाकर पहली बार अपनी शर्ट उतारी थी? करण अर्जुन फिल्म के बाद कब दोनों खान दोबारा करण अर्जुन के रूप में देखे गए? करण अर्जुन का सबसे हिट गाना क्यों रिजेक्ट कर दिया गया था? डर और करण अर्जुन को किस सुपरस्टार ने ठुकरा दिया था? आजकल लोगों को क्यों लग रहा है कि सलमान खान शाहरुख के साथ करण अर्जुन के सिक्वल में साथ नजर आ सकते हैं? सलमान खान किन तीन फिल्मों को हमेशा याद करते हैं? सलमान खान क्यों कहते हैं कि किसी फिल्म का सिक्वल बनाना मुश्किल होता? सलमान खान किन दो हीरोइन को बेहतरीन अभिनेत्री मानते हैं? सलमान क्यों कहते हैं कि अगर आज की तारीख में मैं हीरो बनने आता तो मैं हीरो नहीं बन सकता हूँ? करण अर्जुन फिल्म का सिक्वल कब से शुरू होने वाला है? आपका स्वागत है बॉलीग्राद के गलियारे में। सलमान और शाहरुख खान की जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर लौट सकती है। बॉलीवुड के इन दोनों खानों की वापसी आइकॉनिक फिल्म करण अर्जुन के सिक्वल से होगी। राकेश रोशन निर्देशित करण अर्जुन पुनर्जन्म पर आधारित हिट फिल्मों की लिस्ट में शुमार है। ये पहली फिल्म है जिसमें सलमान और शाहरुख खान साथ नजर आए थे। समय समय पर इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि इस फिल्म का सिक्वल बनाने की योजना है, लेकिन फिर सलमान और शाहरुख के बीच लंबे समय तक दूरियां रही तो इस खबर पर विराम लग गया। हालांकि शाहरुख और सलमान के बीच बदले हुए रिश्ते के मद्देनजर ये चर्चाएं जोर पकड़ रही है कि करण अर्जुन पार्ट टू बनने वाली है। राकेश रोशन एक बार फिर से अपनी इस फिल्म को लेकर योजना बना रहे हैं कि वो फिल्म का सिक्वल लिखेंगे। हालांकि राकेश रोशन की ये योजना फिलहाल बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है, लेकिन सूत्रों के अनुसार राकेश ने सलमान खान और शाहरुख से इस बारे में बातचीत की है और दोनों ने दिलचस्पी भी जताई है। रईस और काबिल फिल्म की बॉक्स ऑफिस क्लैश के वक्त राकेश रोशन और शाहरुख के बीच तनाव की खबरें खूब आई, लेकिन लगता है कि अब दोनों के बीच ऑल इज वेल है। हालांकि ये भी सच है कि करण अर्जुन राकेश के जहन में अटकी है। काबिल की रिलीज के वक्त भी जब उनसे सिक्वल का सवाल किया गया था, उन्होंने कहा था कि कहानी अगर उन्हें समझ आई तो वो जरूर लिखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि करण अर्जुन सलमान शाहरुख के अलावा कोई नहीं हो सकता। करण अर्जुन वो पहली फिल्म थी जिसमें सलमान और शाहरुख की जोड़ी पहले पर्दे पर नजर आई। इन दोनों के अलावा इस फिल्म में काजोल, ममता कुलकर्णी, राखी और अमरीश पुरी भी मुख्य भूमिकाओं में थे। करण अर्जुन उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में भी शाहरुख और काजोल की जोड़ी ही थी। जैसा कि बॉलीवुड की अधिकतर फिल्मों में होता है, इस फिल्म की कास्टिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। डायरेक्टर राकेश रोशन सबसे पहले फिल्म में सलमान और आमिर खान को लेना चाहते थे। सलमान तो मान गए, लेकिन आमिर ने बोला कि फिल्म की कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो खुद को इसमें देख नहीं पा रहे हैं, मतलब वो इस फिल्म से सेटिस्फाइड नहीं थे। इसके बाद राकेश ने सलमान वाले कैरेक्टर के लिए अजय देवगन को अप्रोच किया और दूसरे लीड के लिए शाहरुख को। इसके पीछे की वजह ये थी कि अजय लगातार दिलवाले, विजय पर कानून और सुहाग जैसी एक्शन फिल्म करने के बाद कोई रोमांटिक रोल करना चाहते थे, जबकि शाहरुख का मामला इसके ठीक उलट था। वो कभी हाँ कभी ना, राम जाने और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसे रोमांटिक फिल्मों के बाद कोई एक्शन फिल्म चाहते थे। राकेश रोशन की इस फिल्म में दोनों के लिए ही भरपूर मसाला था, लेकिन अजय ने किसी वजह से ये फिल्म छोड़ दी। आखिर में फिल्म सलमान और
शाहरुख के हाथ बनी। फिल्म के फर्स्ट हाफ में एक सीन है जहां दुर्जन सिंह करण अर्जुन का कत्ल कर देता। वो सीन भरी दोपहरी में बालू पर शूट हो रहा। एक्ट्रेस को शूट करने में बहुत दिक्कत आ रही क्योंकि गर्मी बहुत थी, ऊपर से बालू पर गिरने से उनका मेकअप भी खराब हो जा रहा था। कई बार यूं होता कि शूटिंग के दौरान शाहरुख पूरी तरह से सीन में घुसे होते और सलमान 20 शॉट में अपना चेहरा साफ करने चले जाते। वो चाहते थे कि स्क्रीन पर उनका चेहरा अच्छा और साफ सुथरा दिखे। ये सीन इसी तरह शूट हुआ और फिल्म में लिया भी गया। आज भी आप फिल्म देखें तो पाएंगे जहां शाहरुख के चेहरे पर बहुत सारी बालू चिपकी है, वहीं सलमान के चेहरे पर सिर्फ पसीना है। करण अर्जुन की अधिकतर शूटिंग राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में हुई। फिल्म की लीड हीरोइन ने सलमान और शाहरुख को एक साथ झाड़ दिया था। फिल्म करण अर्जुन में एक गाना है, आजा आजा भंगड़ा पाले, इसे चिन्नी प्रकाश ने कोरियोग्राफ किया था। फिल्म में शाहरुख के साथ काजोल और सलमान के साथ ममता कुलकर्णी थी। गाने के एक हिस्से की शूटिंग खत्म होने के बाद ममता ने सीटी मारकर सलमान और शाहरुख को अपने पास बुलाया। पहले तो एक्टर्स को लगा कि किसी और को बुला रही होगी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। सलमान ने शाहरुख को कहा कि वो उन्हें बुला रही है। शाहरुख जैसे ही ममता के पास पहुंचे, ममता ने हड़काना शुरू कर दिया। ममता ने कहा कि इस सीन में उनके स्टेप्स बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन उन दोनों के डांस की वजह से ही गाना खराब हो रहा है। साथ ही अगले दिन से सेट पर रिहर्सल करके आने का भी आदेश दिया। वैसे सलमान और शाहरुख का मानना था कि हमने एकदम सही डांस किया है। इसके बाद से शाहरुख और सलमान रोज सुबह 5 बजे उठकर उस दिन शूट होने वाले हिस्से की प्रैक्टिस करते और फिर सेट पर आते। जब इस गाने के आखिरी हिस्से की शूटिंग चल रही थी, तब कोरियोग्राफर ने ममता से कहा कि ये दोनों लड़के बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपके स्टेप्स गड़बड़ है। ये सलमान और शाहरुख के लिए प्राइड वाला मोमेंट था। फिल्म का सबसे हिट गाना शुरू में ही रिजेक्ट कर दिया गया था। करण अर्जुन के लिए म्यूजिक बनाने का जिम्मा डायरेक्टर राकेश के भाई राजेश रोशन को दिया गया था। राकेश एक दिन यूं ही फिल्म से रिजेक्ट किए गए सभी गाने सुनने लगे। उसमें से एक गाना उन्हें बहुत पसंद आ गया, उन्होंने उसे फिल्म में इस्तेमाल करने का मन बना लिया। राजेश का मानना था कि ये गाना अधूरा है और फिल्म के लिए फिट भी नहीं है, लेकिन राकेश के कहने पर वो गाना जबरदस्ती रिकॉर्ड किया गया। उसे फिल्माया गया शाहरुख और काजोल की हिट जोड़ी पर। वो गाना रिलीज होने के बाद बहुत हिट हुआ। गाना था जाती हूँ मैं जल्दी है क्या। सलमान ने इसी एक्शन फिल्म के लिए बॉडी बनाकर पहली बार अपनी शर्ट उतारी थी। इस फिल्म से पहले सलमान ने कोई प्रॉपर एक्शन फिल्म नहीं की थी, इसलिए उनकी बॉडी भी कुछ खास नहीं, लेकिन इस फिल्म से पहले सलमान ने अपनी फिजिक पर बहुत काम किया और जबरदस्त बॉडी बनाई। इस फिल्म में उनकी बॉडी देखकर उनके डायरेक्टर भी बहुत इम्प्रेस हुए थे। करण अर्जुन में असिस्टेंट रहे राकेश रोशन के बेटे ऋतिक कहो ना प्यार है से बॉलीवुड में एंट्री लेने वाले थे, लेकिन तब उनकी फिजिक भी बिल्कुल लीन थी। राकेश के कहने पर सलमान ने ऋतिक को बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी। उसके बाद ऋतिक भी बिल्कुल फिटनेस फ्रीक हो गए। आज ऋतिक को बॉलीवुड में सबसे फिट बॉडी वाला एक्टर माना जाता है। आमिर खान ने बताया क्यों ठुकरा दी डर और करण अर्जुन। आमिर खान को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्ट कहा जाता है। आमिर खान ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आमिर ने कई फिल्मों को करने से मना भी किया था जो सुपरहिट हुई। हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की डर और राकेश रोशन की करण अर्जुन की। इन दोनों फिल्मों का ऑफर पहले आमिर खान के पास गया था, पर उन्होंने मना कर दिया। आखिरकार अब इस सवाल का जवाब मिल ही गया है। राकेश रोशन की बेटी सुनैना खान ने अपने पिता की बायोग्राफी पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है टू डैड विथ लव। इस किताब में वो सारी बातें लिखी गई हैं जिसे राकेश रोशन ने कभी किसी को बताया नहीं। किताब में लिखा है कि राकेश रोशन अपनी फिल्म करण अर्जुन में अजय देवगन और शाहरुख खान को लेना चाहते थे, पर उस समय अजय देवगन रोमांस का रोल करना चाहते थे और शाहरुख खान एक्शन का किरदार, इसलिए बात नहीं बनी। उसके बाद राकेश रोशन ने सलमान और आमिर खान की जोड़ी बनानी चाहिए। सलमान ने तो डेट दे दी, पर आमिर खान ने फिल्म करने से मना कर दिया। आखिरकार शाहरुख खान रोमांस वाला रोल अपना लिया और करण अर्जुन फिल्म बन गई ब्लॉकबस्टर फिल्म। एक इंटरव्यू में आमिर खान ने करण अर्जुन को ना करने का कारण बताया, मैं उस फिल्म का हिस्सा बनना चाहता था पर मेरे पास कई फिल्में थी। वहीं आमिर से पूछा गया कि उन्होंने डर फिल्म का ऑफर क्यों ठुकरा दिया, तो आमिर का जवाब था कि मेरी पहचान एक रोमांटिक हीरो के तौर पर हो चुकी थी। दिल है कि मानता नहीं, अंदाज अपना अपना जैसी फिल्में हिट हो चुकी, जबकि डर फिल्म में मुझे निगेटिव किरदार निभाना पड़ता तो मैं नहीं करना चाहता था। डर फिल्म के निगेटिव किरदार को शाहरुख ने निभाया और फिल्म में उनका डायलॉग किरण बहुत फेमस हुआ था। सलमान खान से बातचीत के कुछ अंश यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। सलमान खान का मानना है अगर उन्हें स्क्रिप्ट अच्छी लगती है तो तभी वो फिल्म करते हैं।
कभी कभी स्क्रिप्ट अच्छी होती है लेकिन बनाते बनाते फिल्म खराब हो जाती है। सलमान खान का कहना है कि मुझमें तो कोई गुण नहीं दिखता है कि मैं हीरो हूँ। सलमान का मानना है कि मैं किसी भी चीज का मास्टर नहीं हूँ। उनका मानना है कि आज की तारीख में यदि कोई लड़का मेरे जैसा बॉलीवुड में करियर बनाना चाहता है तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत हो गया है। कि मैंने प्यार किया के लिए सलमान खान का मानना है कि उस दौरान मुझमें एवरेज टैलेंट था, फिर भी हमारे ये फिल्म चल गई थी। सलमान खान ने बताया बीच में उनकी फिल्में क्यों फ्लॉप हुई थी, क्योंकि उसी दौरान उन्हें घर खरीदना था, इसीलिए पैसों के लिए वो फिल्में कर रहे थे। सलमान को अक्सर ये तीन फिल्में याद आती, करण अर्जुन, अंदाज अपना अपना, हम आपके हैं कौन। सलमान का मानना है कि सीक्वल बनाना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि पहले वाले पार्ट में जो चरित्र निभाया गया है उसको मेंटेन करना होता। सलमान खान माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी को ही बेहतरीन अभिनेत्री मानते हैं। सुपरस्टार सलमान खान का कहना है कि वो जब भी अपनी फिल्म करण अर्जुन देखते हैं उन्हें रोना आ जाता है। सलमान खान ने कहा कि मैं कुछ ही दिनों पहले करण अर्जुन देख रहा था और मैं काफी इमोशनल हो गया, खासकर उस सीन में जहां करण अर्जुन मर रहे होते हैं, मेरी आंखों में आंसू आ गए। सलमान ने कहा कि इस फिल्म में भाई भाई और माँ के साथ कनेक्शन काफी अच्छे से दिखाया गया था। आज भी जब दोनों खान साथ आते हैं तो लोगों को करण अर्जुन की याद आ जाती है। सोनम कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में एक और खास बात रही और वो थी सलमान खान और शाहरुख खान का एक साथ स्टेज पर आना और धमाल चौकड़ी मचाना। सालों बाद दोनों खानों को इस तरह एक साथ स्टेज पर एंजॉय करते हुए देखा गया। सोनम के रिसेप्शन में इन दोनों बॉलीवुड के दिग्गज सितारों ने न सिर्फ साथ में शिरकत की बल्कि साथ में मस्ती भी की। अभी हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान एक बार फिर करण अर्जुन बने हुए और 90 के दशक में आई अपनी सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन के गाने पर मस्ती करते हुए दिखाई दिए। लेकिन इस गाने में उनकी ऑन स्क्रीन माँ राखी नहीं दिखाई दी, बल्कि इस गाने में उनके साथ उनकी माँ की भूमिका में तो कोई और ही दिखाई दिया और वो भी ये कहती सुनाई दी कि भाई कोई रोको तो ही नहीं। इस वीडियो में सलमान और शाहरुख खान के साथ सोनम कपूर की माँ सुनीता कपूर नजर आ रही थी। दोनों सोनम की माँ सुनीता का आंचल पकड़े नीचे बैठे हैं और अपनी फिल्म का गाना सुनाकर लोगों का मनोरंजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साल 2018 की ये दूसरी सबसे ग्रैंड शादी थी। इससे पहले कपूर खानदान में ही सोनम कपूर के कजिन मोहित मारवा की शादी बहुत शानदार हुई थी। अभी कुछ वर्षों में शाहरुख और सलमान खान कई फिल्मों में एक साथ दिखाई दिए। शाहरुख ने सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट में कैमियो रोल किया था, वहीं सलमान खान ने भी शाहरुख खान की फिल्म जीरो में कैमियो रोल किया है। अभी हाल ही में सलमान अपनी लकी कार में ट्रेलर लॉन्च करने पहुंचे। सलमान ने ट्रेलर हिट कराने के लिए शाहरुख खान के नींबू मिर्चा वाला टोटका का भी सहारा लिया है। सलमान के बर्थडे पर शाहरुख खान ने गिफ्ट किया था ये कार और सलमान खान खास मौके पर ही इस कार को घर से निकालते हैं और उस दिन पूरा दिन शाहरुख खान की दी हुई कार में ही सलमान खान ने समय बिताया। रमेश तुरानी के घर पार्टी में भी इसी कार से गए थे। दोनों के बीच आजकल बहुत गहरी दोस्ती दिखाई दे रही, ऐसे में कहा जा सकता है करण अर्जुन के सिक्वल में दोनों काम कर सकते। वैसे करण अर्जुन 2 के भविष्य की सच्चाई तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद ही पता चलेगी, लेकिन सलमान खान भारत के बाद फ्री हो जाएंगे और राकेश रोशन भी क्रिस 4 के बाद, तो शायद तभी इस फिल्म पर काम शुरू होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो आप कमेंट करके बताइए कि ये फिल्म बननी चाहिए कि नहीं। बॉलीवुड के ऐसे कौन से दो एक्टर हैं जिन्होंने एक फिल्म में साथ काम करके बॉलीवुड की सबसे मसालेदार फिल्म दी। ऐसी कौन सी मूवी है जिसने दो भाइयों के बीच प्यार और एक माँ के अपने बेटे के लिए प्यार की कहानी पर हमें एक ऐसे मजेदार फिल्म दी जिसके रिलीज होने के 25 साल बाद तब सबके दिलों में बसी हुई है। आज हम बात कर रहे हैं सलमान खान और शाहरुख खान की मसाला एंटरटेनर करण अर्जुन की। अगर बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक डायलॉग्स की बात की जाए तो मेरे करण अर्जुन आएंगे को शामिल किए बिना ये बात अधूरी रह जाएगी।
फिल्म केवल इस डायलॉग की वजह से ही नहीं लेकिन इसके दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानी, एक्शन सीन्स, सुपरहिट संगीत आदि के साथ सभी मामलों में पूरी मसाला एंटरटेनर थी। लीड रोल्स में सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान के होने की वजह से बॉक्स ऑफिस पर भी सुपरहिट रही। शाहरुख खान और सलमान खान को एक साथ पर्दे पर पेश करने वाली यह पहली फिल्म थी। शाहरुख खान और सलमान खान आज के समय में बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। बहुत इंस्पायरिंग और सरप्राइजिंग बात यह है कि ये दोनों स्टार लगभग समान स्तर तक सफलता और स्टारडम तक पहुंच चुके हैं और दोनों ने ही इस इंडस्ट्री में एक समान ही समय बिताया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एस आरके और सलमान खान दोनों को कई बार एक साथ पर्दे पर देखा गया है लेकिन लीड रोल्स में कुछ कुछ होता है, ट्यूबलाइट, जीरो और हर दिल जो प्यार करेगा जैसी फिल्मों में एक दूसरे के लिए विशेष रूप से दिखाई देती है लेकिन बिना किसी संदेह के उनकी सबसे खास फिल्म करण अर्जुन है। फिल्म में सलमान और शाहरुख खान दोनों भाई हैं और उनके भाईचारा अभी तक पूरा बॉलीवुड जानता है। ये दोनों एक दूसरे की फिल्म में कैमियो रोल्स भी दे चुके हैं जैसे कि सलमान की ट्यूबलाइट और शाहरुख की जीरो में एक दोनों दूसरों ने हाल ही में देख चुके हैं लेकिन फैंस करण अर्जुन 2 को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो क्या इसके सीक्वल हमें देखने को मिलेगा? इस फिल्म में 25 साल पूरे होने पर इसके डायरेक्टर राकेश रोशन ने मीडिया साथ बात की और इस फिल्म के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताई। जितना हम फिल्म में शाहरुख और सलमान से प्यार करते थे आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों निर्देशक राकेश रोशन की पहली पसंद नहीं थे। रोशन ने शुरू में शाहरुख खान और अजय देवगन को कास्ट करने की योजना बनाई थी लेकिन वो दोनों अपनी फिल्म में हिस्से में और हिस्सों से बहुत खुश नहीं थे, स्विच करना चाहते थे, इसलिए शाहरुख खान की भूमिका निभाना चाहते थे जबकि अजय ने अर्जुन का किरदार निभाना चाहा। हालांकि रोशन ने ऐसे करने से इनकार कर दिया इसलिए वे दोनों फिल्म से बाहर हो गए। असल में वे कहानी और पूर्ण जन्म तत्व में काफी खुश नहीं थे। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, जिन लोगों ने रोशन की कहानी सुनाई उनमें से ज्यादातर लोगों को इसी कहानी पर यकीन नहीं हुआ। वो कहते हैं, क्रू में मेरे दोस्तों और टेक्नीशियंस ने मुझे कहा कि इस तरह के प्लॉट को ऑडियंस समझ नहीं पाएगी और पसंद नहीं कर पाएगी लेकिन करण अर्जुन के साथ ये पूर्ण जन्म के टच के साथ माँ बेटे के बंधन के बारे में अधिक था लेकिन मुझे इस फिल्म के विषय पर पूरा भरोसा था। मैंने सबको ये समझाया कि जब एक माँ जिसके बेटों की बेरहमी से मार दिया गया था कहती है कि मेरे बेटे आएंगे, भले ही वह मार्स से जुपिटर से आए हों, ऑडियंस इसे जरूर पसंद करेगी। राकेश रोशन ने आगे बताते हुए कहा कि इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट था लेकिन मेरे एक्ट्रेस नहीं थे इसलिए उन्होंने फिल्म छोड़ दी। मैंने फिर सलमान खान और आमिर खान से संपर्क किया और दोनों इसकी स्क्रिप्ट सुनकर फिल्म के लिए तैयार हो गए। हालांकि आमिर खान ने यह स्पष्ट किया था कि वह समय इस किसी और फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, वह केवल 6 महीने बाद शुरू कर सकते हैं लेकिन मैं इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता था। इस बीच शाहरुख को पता चला कि सलमान और आमिर ने दिलचस्पी दिखाई है, फिर शाहरुख ने मुझे संपर्क किया, उन्होंने सॉरी कहा और जोर देकर कहा कि वह फिल्म करना चाहते हैं और उनकी डेट्स भी अवेलेबल थी इसलिए मैं आमिर के पास गया और उनसे स्थिति के बारे में बताया। इसके अलावा मैंने पहले भी शाहरुख के साथ काम किया था किंग अंकल में। आमिर समझ गए और इस तरह फिल्म के लीड एक्टर्स को फाइनलाइज कर लिया लेकिन फिल्म के अंत तक शाहरुख और करण अर्जुन के प्लॉट से सहमत नहीं थे। उन्होंने साफ रूप से समझाया गया था कि राकेश जी आप भी निर्देशक दे रहे हैं, मैं उससे फॉलो कर रहा हूं लेकिन मुझे अभी भी कहानी पर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। जब फिल्म रिलीज हुई और जबरदस्त सराहना मिली तो शाहरुख ने माफी मांगी और स्वीकार किया कि मैं सही था। फिल्म में दो बड़े स्टार्स होने पर बहुत मुश्किलें भी आती हैं। राकेश रोशन को ऐसे दो बड़े सुपरस्टार्स को हैंडल करने में कोई मुश्किलें आई या नहीं और आई भी है तो मुश्किलें क्या आई, चलिए हम आपको बताते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए राकेश रोशन ने कहा कि वो दोनों उस समय स्टार नहीं थे, वे अभी भी न्यू कमर्स थे। इस फिल्म के निर्माण के दौरान वे स्टार बन गए थे, विशेष रूप से सलमान खान जिनकी हम आपकी है कौन जो करण अर्जुन से 6 महीने पहले रिलीज हुई थी। इसके अलावा मैंने उन्हें एक साथ बिठाया और एक साथ ही फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शूटिंग के दौरान भी उनके बीच कोई प्रॉब्लम या तकलीफ नहीं आई। कहा जाता है कि इस फिल्म के लीड एक्ट्रेसेस के लिए जूही चावला, करिश्मा कपूर, नगमा, रवीना टंडन और दीपशिखा नागपाल को पहले कॉन्टैक्ट किया गया था लेकिन इस बात की असलियत बताते हुए राकेश रोशन ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिल्म के लीड रोल के लिए उनकी पसंद हमेशा से ही काजोल और ममता कुलकर्णी थी, उन्होंने इन एक्ट्रेस को ही कास्ट किया। आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि अजय देवगन इस फिल्म में कास्ट ना होने पर नाराज हो गए थे। जी हाँ, दरअसल हुआ ये कि अजय देवगन के पिता वीरू देवगन इस फिल्म के फाइट मास्टर थे, वे पहले 2 या 3 दिनों के लिए सेट पर आए और फिर उन्होंने घोषणा की कि वे इस फिल्म की शूटिंग नहीं कर सकते। जब राकेश रोशन ने उनसे पूछा कि क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया कि वे परेशान हैं क्योंकि उनके बेटे अजय देवगन को इतनी अच्छी फिल्म नहीं मिली। राकेश रोशन ने ये बात समझ गए और वीरू की जगह किसी और को लिया गया। करण अर्जुन ने बहुत अच्छी कमाई की थी और ये एक सुपरहिट फिल्म रही। इसके बारे में राकेश रोशन ने कहा कि रिलीज के दिन मैं मुख्य प्रदेश के एक डिस्ट्रीब्यूटर से सुबह 3 बजे फोन आया,
उन दिनों लैंडलाइन हुआ करती थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने फिल्म की सुबह 2 बजे खोला और यह एक हाउसफुल शो था। मैंने सोचा कि मैं पागल हो गया है और वह सपना देख रहा है। मैंने उनसे कहा कि 2 बजे कौन सी फिल्म का शो खोल रखता है, मुझे उल्लू क्यों बना रहे हो। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वह झूठ नहीं बोल रहे हैं और मुझे दर्शकों का रिएक्शन सुनने के लिए फोन पर सुनाया। फिर बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी कुछ बताया कि उन्होंने पहले ही फिल्म देखना शुरू कर दिया और 2 बजे, 6 बजे और 9 बजे सभी के शो बिल्कुल हो चुके थे। दिलवाला दुल्हनिया ले जाएंगे बाद करण अर्जुन 1995 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी, जिसमें शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी ने अभिनय किया था। भारत में घरेलू तौर पर करण अर्जुन ने 38 करोड़ की कमाई की थी। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के ऋतिक रोशन भी एक हिस्सा थे? ऋतिक रोशन ने एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में इस फिल्म में काम किया था और करण अर्जुन में अपने पिता राकेश रोशन की मदद की। इस बारे में राकेश रोशन कहते हैं कि यह एक ऐसा अनुभव था जो मैंने उसे सिखाने के लिए दिया था और उस एहसास दिलाने के लिए कि मैं जीवन में ऐसे मुकाम तक कैसे आया। मैं भी एक समय पर असिस्टेंट डायरेक्टर था, मैं उससे यह समझाना चाहता था कि कैमरा के पीछे क्या होता है और सेट पर क्या होता है। जैसे लोग एक्टर्स के देर से आने पर बात करते हैं, तब लंच और डिनर मार्क तब नहीं होता। जब वे सुविधाएं अच्छी न होने की बात करते हैं, ये सब मैं ऋतिक को सिखाना चाहता था। जब मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर था, मैंने इन समस्याओं को देखा और मैंने पूरी कोशिश की कि जब मैं फिल्म बनाता हूँ तो वो प्रॉब्लम्स ना आए। मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि सब एक्टर समय पर हो, खाना बढ़िया हो और यूनिट के लोग खुश हो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हम सभी एक ही होटल में रहें, चाहे वो सिंगापुर हो या कनाडा या फिर न्यूजीलैंड, और सभी वो खाना खाएं। फिल्म के लोकेशंस काफी सुंदर थे और पूरी फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हुई थी। विशेष रूप से फिल्म में जिस गांव को दिखाया गया वह राजस्थान के अलवर जिले के गांव में से एक है, जिसका नाम भानगढ़ है। दुर्गा मंदिर जहाँ करण अर्जुन प्रार्थना करते हैं, वह अजमेर के पास पुष्कर में है। शर्सिक पुलिस का उपयोग ठाकुर दुर्जन सिंह के घर के रूप में किया गया था। पुण्य जन्म की यह कहानी इतनी लोकप्रिय हुई कि वह वर्ष 1995 की दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई। अक्सर जब दो मशहूर और बॉलीवुड स्टेट्स के बड़े स्टार एक मूवी में साथ काम करते हैं तो इस फिल्म का इतिहास रचना तो तय है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म का नाम पहले कुछ और रखा गया था? इस फिल्म का नाम पहले कायनात रखा गया था, लेकिन फिर स्क्रिप्ट पर काम करते हुए इसके डायरेक्टर राकेश रोशन ने देखा कि करण और अर्जुन का नाम बहुत बार आता है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना फिल्म का नाम ही करण अर्जुन रख दिया जाए। फिल्म के गाने ये बंधन तो, जाती हूँ मैं सुपरहिट रहे। काजोल और शाहरुख पर फिल्माया गया गीत जाती हूँ मैं साल के सबसे बड़े 4 बस्टर्स में से एक था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने को पहले एल्बम से क्या हटा दिया गया था? दरअसल राकेश रोशन को ये गाना अधूरा लग रहा था, लेकिन जब राकेश रोशन करण अर्जुन के गीतों पर काम रहे थे, उन्होंने एक बॉक्स ऑफिस को रिजेक्टेड ट्यून से भरा देखा। उन्होंने ये गाना सुनने के लिए जोर दिया और उन्होंने ये गाना बहुत पसंद आया। उन्होंने अपने भाई से कहा कि वो उस गीत को रिकॉर्ड करे, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह एक बड़ा हिट होगा। राजेश ने इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें यह गाना सही नहीं लगा, लेकिन अपने भाई के कहने पर उन्होंने गाने को रिकॉर्ड करवाया। गाना रिलीज किया गया तो यह बहुत बड़ा हिट हुआ, लेकिन फिर भी राजेश रोशन इस गाने से खुश नहीं थे। फिल्म की एक लाइन अमर हो गई। राखी गुलजार, जो सलमान और शाहरुख यानी करण अर्जुन की माँ का रोल निभाती, कहती है, जमीन की छाती फाड़ कर आएंगे, आसमां का सीना छीन कर आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो आज एक सोशल मीडिया पर मीम्स और वीडियोस में इस्तेमाल की जाती है। जरा सोचिए, अगर इस फिल्म का सीक्वल बनेगा तो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर क्या धमाका होगा। और सलमान और शाहरुख खान की बढ़ती दोस्ती के किस्से तो आजकल मशहूर है ही, इसलिए हो सकता है कि हम जल्द ही इन्हें करण अर्जुन 2 के रोल में फिर से दो भाइयों का किरदार निभाते हुए देख सके। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है सान्या भार्गव ने। करण अर्जुन का सीक्वल क्यों बनने जा रहा है? करण अर्जुन की किस एक्ट्रेस का अंडरवर्ल्ड डॉन से जुड़ा था नाम और कैसे बर्बाद हो गया बॉलीवुड करियर? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। बॉलीवुड की दुनिया से निकलती रोशनी कुछ आंखों में जिंदगी भर सुकून भरती है, तो कुछ आंखों में एक वक्त के बाद महज स्याय मंजर की निशानी छोड़ देती है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकार हुए हैं जिन्हें वक्त ने उनके हिस्से की कामयाबी तो दी, मगर वो इसे ज़्यादा देर तक संभालने में असफल रहे। ऐसा कहा जाता है कि इस नायाब दुनिया में स्टार बनने से ज़्यादा स्टारडम संभालना मुश्किल है। कई सितारों ने बहुत कम वक्त में बुलंदियों तक का सफ़र तय किया, मगर किसी न किसी वजह से वो इस मुकाम पर ज़्यादा देर तक ठहर नहीं पाए। तो इस लंबी फेरिश्त का एक नाम ममता कुलकर्णी है। 90 के दशक में अपनी अदाकारी और अपनी अदाओं से सबको मदहोश कर देने वाली एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी का जन्मदिन 20 अप्रैल को था। इस एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में कदम रखते ही सबको अपना दीवाना बना दिया।
ममता ने साल 1992 में आई फिल्म तिरंगा से डेब्यू किया था। साल 1993 में आई फिल्म आशिक आवारा के लिए उन्हें फिल्म फेयर से नवाजा गया। उस जमाने में ममता ने खुद को एक बोल्ड अभिनेत्री के रूप में पेश किया था, जो खुद में एक चुनौती थी। 1993 में ही उन्होंने अपने टॉपलेस फोटोशूट से सनसनी मचा दी थी। इसके बाद इस अदाकारा के लिए कई दरवाजे खुलने लगे। हर फिल्म में ममता की डिमांड होने लगी और शोहरतों ने जिंदगी में हिस्सा ले लिया। कुछ वक्त बाद अचानक से ये स्टारडम, ये शोहरत सब मुंह मोड़कर जाने लगे और इस बाकमाल अदाकारा की जिंदगी अर्श से फर्श पर आ गई। कुछ वक्त के लिए ममता का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ जुड़ा, मगर फिर कुछ वक्त के बाद ड्रग तस्करी करने वाले विजय गोस्वामी के साथ ममता की शादी की खबर आई। पति के जेल जाने के बाद ममता भक्ति आराधना में अपना वक्त गुजारने लगी। इस दौरान उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिन नाम की एक किताब भी लिखी। वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी हिट फिल्मों का चेहरा रही ममता आज फिल्मों की दुनिया से दूर हो चुकी है। कोरोना वायरस के इन दिनों में बॉलीवुड के दिग्गज भी खाली हैं और आने वाले समय के वास्ते तरह तरह की योजनाएं बनाई जा रही है। इनमें से कितनी योजनाएं रंग लगाएंगी पता नहीं, लेकिन बॉलीवुड में एक रोचक चर्चा ये चल रही है कि शाहरुख खान और सलमान खान को उनके एक पुराने एक्टर दोस्त ने एक साथ फिल्म में काम करने के लिए मना लिया है। जी हाँ, दोनों को फिल्म का आइडिया बेहद पसंद आया। वास्तव में शाहरुख खान, सलमान खान दोनों के फिल्मी करियर को पिछले कुछ समय में तगड़े झटके लगे हैं और उन्हें पुराने स्टारडम को हासिल करने के लिए बड़ी हिट फिल्म की जरूरत है। करण अर्जुन, हम तुम्हारे हैं सनम और कुछ कुछ होता है में साथ काम कर चुके शाहरुख सलमान 2017 में ट्यूबलाइट और 2018 में जीरो में एक दूसरे की फिल्मों में बतौर मेहमान कलाकार दिखे थे, लेकिन दर्शकों को इंतजार है ऐसी फिल्म का जिसमें वो दोनों बराबर नजर आए। खबर है कि शाहरुख और सलमान दोनों से बराबर दोस्ती निभाने वाले पूर्व एक्टर निखिल द्विवेदी ने इन सितारों को एक फिल्म में काम करने को राजी कर लिया है। जी हाँ, द्विवेदी के पास ऐसी स्क्रिप्ट है जिस पर दोनों एक्टर साथ काम करने के लिए रजामंद हो गए हैं। बात सिर्फ निर्देशक की है कि कौन इस फिल्म की बागडोर संभालेगा, क्योंकि आज के समय में सलमान और शाहरुख दोनों का ही स्टारडम काफी ज्यादा है। ये काम शायद कोरोना वायरस से हुए लॉकडाउन के खत्म होने पर हो जाएगा। वेल, और वो फिल्म कौन सी होगी जिसमें ये दोनों एक्टर नजर आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, करण अर्जुन के सीक्वल की चर्चा इतने दिनों से चल रही है और दर्शक भी इस फिल्म के सीक्वल को बेसब्री से देखने की उम्मीद रखते हैं कि जल्द ही उन्हें ये दोनों स्टार्स फिर से करण अर्जुन के सीक्वल में दिखाई देंगे। तो आप कितना एक्साइटेड है इस फिल्म के सीक्वल को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। इंडस्ट्री के दो बड़े खान, द किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान और बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान, एक फिल्म में इतने सालों की नाराजगी के बाद आखिर कौन सी फिल्म में दोनों एक साथ नजर आएंगे और कौन है वो डायरेक्टर जो बॉलीवुड के दो सबसे बड़े खानों को एक साथ एक फिल्म में लेकर आ रहे हैं, जो इतने सालों में बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर नहीं कर पाए? क्या है उस डायरेक्टर का नाम और क्या ये बात सच भी है या इंडस्ट्री की है एक और अफवाह? ये दोनों आखिरी बार किस फिल्म में एक साथ नजर आए थे, कौन सी थी वो फिल्म और फैंस को कैसी लगी थी दोनों खानों की जोड़ी एक साथ, और कैसा रहा पैडमैन का सेकंड डे बॉक्स ऑफिस पर? कितना कलेक्शन किया है पैडमैन ने अभी तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और ओवरसीज, और अभी तक का पैडमैन का टोटल कलेक्शन कितना है? और भैया, क्या टाइगर अभी भी जिंदा है? और अगर जिंदा है तो अभी तक टाइगर जिंदा है ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर लिया है? और स्पेशली बात करेंगे ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्म सुपर 30 के बारे में कि भैया क्या नया चल रहा है सुपर 30 में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन दीवान और स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। स्वागत नहीं करोगे हमारा? शिकार तो हर कोई करता है, पर टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। अगर वो मुझसे प्यार करती है तो वो मुझे पलट कर देखेगी, पलट पलट पलट। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, प्यार भी एक ही बार करते हैं और
शादी भी एक ही बार होती है। यह है बॉलीवुड के दो सुपरस्टार खानों के कुछ बेहतरीन डायलॉग जो इनके चाहने वालों की जुबान से उतरने का नाम ही नहीं लेते। और अभी ऐसा सुनने में आया है कि शायद शाहरुख खान और सलमान खान के फैंस को ऐसे ही और जबरदस्त और ना भूल पाने वाले डायलॉग सुनने को मिलेंगे, और वो भी एक साथ। मतलब बॉलीवुड के एंटरटेनमेंट का डोज डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एक खबर सुनने को मिली है कि बॉलीवुड के करण अर्जुन मतलब शाहरुख खान और सलमान खान एक साथ इतने सालों के बाद एक फिल्म में नजर आएंगे। ये दोनों आखिरी बार राकेश रोशन की डायरेक्टर फिल्म करण अर्जुन में नजर आए थे, जो आज से 22 साल पहले 13 जनवरी 1995 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लाजवाब कलेक्शन किया था। फिल्म का टोटल बजट था 6 करोड़ और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 53 करोड़ 58 लाख, जो उस समय के हिसाब से एक ह्यूज सक्सेस थी। फिल्म को लिखा था सचिन भूमिक, रवि कपूर और अनवर खान ने, और डायरेक्ट किया था राकेश रोशन ने, और इसमें म्यूजिक दिया था राकेश रोशन के भाई राजेश रोशन ने। और इसके बाद हुई थी बॉलीवुड के दो सबसे बड़े खान्स की राइवलरी शुरू, जो द वर्बल फाइट बिटवीन शाहरुख खान एंड सलमान खान, जो हुई थी 2008 में शुरू। बॉलीवुड के खान्स का ये झगड़ा बहुत ही लंबा चला था। हालांकि दोनों ही इस बारे में कभी बात करते हुए नजर नहीं आए। जब भी सलमान या शाहरुख से उनके रिश्ते के बारे में पूछा जाता तो भैया दोनों ही बड़ी चलाकी से मामले को जलेबी की तरह घुमा दिया करते थे। पर जैसा कि हर लड़ाई का अंत होता ही है, ठीक वैसे ही बॉलीवुड के दोनों खानों का झगड़ा साल 2015 में सलमान खान की बहन अर्पिता की शादी पर खत्म हो गया, जब शाहरुख खान खुद शादी में गए और अर्पिता को बधाइयां देते हुए उनको बेस्ट विशेस दी। साल 2015 में बॉलीवुड के दो बड़े खान्स की राइवलरी हो गई थी खत्म, डेड एंड। इसके बाद दोनों ने ही अपनी दोस्ती सबके सामने लाने के लिए एक दूसरे की फिल्म में छोटे छोटे कैमियो भी किए। पर अब खबर ये आ रही है कि बॉलीवुड के डायरेक्टर अली अब्बास जफर टाइगर जिंदा है के बाद सलमान खान और शाहरुख खान को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। और जब अली अब्बास जफर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सलमान और शाहरुख के साथ मेरे बेहद अच्छे और करीबी रिश्ते हैं, तो अब मैं टाइगर जिंदा है जैसी एक्शन मूवी के बाद बॉलीवुड के दो बड़े खान्स को लेकर एक फिल्म बनाना चाहता हूं। पर फिल्म ना तो एक्शन होगी और ना ही रोमांटिक, बल्कि मैं कॉमेडी मूवी बनाना चाहता हूं। अभी इस बारे में कुछ फाइनल नहीं है, पर हां मेरे माइंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और अगर सब सही रहा तो बहुत ही जल्द हम आप सभी के सामने एक नई और एंटरटेनमेंट से भरी फिल्म के साथ आएंगे। तो भैया ये तो पक्का है कि बॉलीवुड की और खबरों की तरह ये कोई अफवाह नहीं है। पर हाँ, अभी इस बारे में कुछ कंफर्म भी नहीं है। पर जैसा कि अली अब्बास जफर ने कहा है कि जल्द ही वो एक नए प्रोजेक्ट के साथ सामने आएंगे, तो अब देखते हैं। आप सभी की तरह हम भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अब बात करते हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन के कलेक्शन के बारे में। पैडमैन को बॉक्स ऑफिस पर 2 दिन पूरे हो चुके हैं और 2 दिन में ही फिल्म ने काफी अच्छा कलेक्शन किया है। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन का फर्स्ट डे कलेक्शन था 13 करोड़ और अब सेकंड डे का अर्ली कलेक्शन भी आ गया है। अपने सेकंड डे पर भी पैडमैन ने 13 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया है। इस हिसाब से इन दोनों दिनों में ही पैडमैन ने कर लिया है लगभग 26 करोड़ के आसपास का कलेक्शन और इसका ग्रॉस कलेक्शन होता है 29 करोड़। फिल्म ओवरसीज मार्केट में भी काफी अच्छा कलेक्शन कर रही है। ओवरसीज में फिल्म को 600 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और फिल्म ने ओवरसीज में अपने पहले ही दिन 5 करोड़ का कलेक्शन किया और दूसरे दिन का कलेक्शन था 6 करोड़। तो पैडमैन का ओवरसीज में अभी तक का टोटल कलेक्शन हो चुका है 11 करोड़ का। तो इस हिसाब से पैडमैन ने इंडिया और ओवरसीज के कलेक्शन को मिलाकर वर्ल्ड वाइड अभी तक 40 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जो कि 2 दिनों के अकॉर्डिंग काफी अच्छा कलेक्शन है। और अब बात करते हैं टाइगर जिंदा है के कलेक्शन के बारे में। टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस पर 22 दिसंबर 2017 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर आज पूरे 7 हफ्ते हो चुके हैं और टाइगर अभी भी कलेक्शन के मामले में रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बॉलीवुड में बहुत कम ऐसी मूवीज होती है जो बॉक्स ऑफिस पर 4 हफ्ते से ज्यादा टिक पाती है, और टाइगर की दहाड़ अभी भी 7 हफ्ते पर पूरे जोरों पर है। टाइगर जिंदा है का 6 वीक का ऑफिशियल कलेक्शन है 338.19 करोड़, और जबकि सातवें वीकेंड पर भी फिल्म ने 60 लाख का कलेक्शन किया था। अब पूरे वीक में फिल्म ने 1.02 करोड़ का कलेक्शन किया, यानी कि टाइगर जिंदा है अभी तक का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 339.21 करोड़। और अभी भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन कर रही है। आप लोगों को बता दें कि ये फिल्म सलमान खान और कैटरीना कैफ के करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई है। और अब आते हैं हमारी स्पेशल न्यूज पर, जो है ऋतिक रोशन की आने वाली पहली बायोपिक फिल्म सुपर 30। क्या हो रहा है ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्म सुपर 30 में, कहां तक पहुंची है शूटिंग, शूटिंग शुरू हुई भी है या अभी भी ये फिल्म पर बस बात ही चल रही है, क्या नया चल रहा है ऋतिक रोशन की पहली बायोपिक की फिल्म में। बात करें सुपर 30 की, तो नाम से ही ये तो किसी सुपर हीरो की कहानी लगती है भाई। बैटमैन,
मैन, सुपर मैन, सुपर से भी ऊपर मैन और पता नहीं क्या क्या। पर नहीं, ये फिल्म किसी सुपर हीरो की नहीं बल्कि एक सुपर मैथमेटिशियन की फिल्म है। एक ऐसे सुपर मैथमेटिशियन की जिसका पढ़ाया कोई भी बच्चा फेल होता ही नहीं है। तो भैया ये तो बेशक ही कोई सुपर वाली बात हुई। अब आते हैं फिल्म की शूटिंग पर। तो फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। ऋतिक रोशन ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया, On the auspicious day of Saraswati Puja and Basant Panchami, I am beginning my journey of Super 30, where I am playing a teacher for the first time. May the goddess of learning bless this effort. ये ऋतिक रोशन ने अपनी शूटिंग के पहले दिन ट्वीट किया था। और जब से ये पता चला है कि Super 30 की शूटिंग शुरू हो चुकी है, तो तब से ये सभी जानना चाहते हैं कि फिल्म में ऋतिक के अपोजिट कौन सी एक्ट्रेस होगी। वैसे अभी तक ये कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, पर हाँ ऐसी न्यूज मिली है कि फिल्म के लिए टीवी एक्ट्रेस कुमकुम भाग्य से मशहूर होने वाली मुंडल ठाकुर को अप्रोच किया गया है। पर हाँ अभी ये फाइनल नहीं हुआ है कि वो फिल्म में काम करेंगी या नहीं, पर हाँ बहुत ही जल्दी इस बात का भी खुलासा हो जाएगा कि कौन होंगी सुपर 30 के लीड एक्ट्रेस। फिल्म में अपने किरदार को और बेहतर करने के लिए ऋतिक ने बिहार से एक कोच को अपॉइंट किया है, जो ऋतिक को वहाँ की लोकल लैंग्वेज और एक्सेंट को ठीक तरीके से पकड़ने में मदद कर रहे हैं। इसे देखकर तो लगता है भैया कि ऋतिक अपने किरदार के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही सुपर 30 से ऋतिक की लुक आउट हुई है, और लुक को देखकर तो कहना पड़ेगा कि भैया ऋतिक ने अपने किरदार पर सच में बहुत ही मेहनत करी है। घनी दाढ़ी, बिखरे बाल और चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कुराहट सही में कमाल लग रही है। ऋतिक की ये लुक देखकर कोई ये नहीं कह पाएगा कि ही इज द मोस्ट हैंडसम मैन ऑन वर्ल्ड नंबर 1 पर है। फिल्म की शुरुआत में रियल लाइफ के सुपर 30 चलाने वाले आनंद कुमार ने खुद ये कहा था कि शायद ऋतिक रोशन का आनंद कुमार में बदलना मुश्किल है, क्योंकि आनंद कुमार और ऋतिक रोशन में जमीन आसमान का फर्क है। लाइफस्टाइल, कपड़े पहनने का तरीका और फेस दूर दूर तक कोई मैच नहीं करता। पर ऋतिक की ये लुक देखने के बाद आनंद कुमार ने खुद कहा कि मैं ऋतिक के अपने काम के प्रति डेडिकेशन को देखकर बहुत ही खुश हूं। और अब मुझे पूरा यकीन है कि ऋतिक इस रोल के लिए बेस्ट चॉइस है और वो मेरे किरदार को बहुत अच्छे से अदा कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं कि फिल्म में ऋतिक रोशन और कितनी जान डाल पाते हैं। भैया ऐसे ये तो मानना पड़ेगा कि वो एक बहुत ही मेहनती एक्टर हैं। पर अब ये फिल्म कितना कामयाब हो पाएगी ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। वैसे फिल्म मेकर्स ने फिल्म को अगले साल 25 जनवरी 2019 में रिलीज करने का फैसला लिया है। फिल्म मेकर ने कहा है कि अभी फिल्म की फीमेल लीड एक्ट्रेस को लेकर कुछ कंफर्म नहीं है, पर हाँ जल्दी ही इस बारे में कोई ना कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी जाएगी। तब तक के लिए सस्पेंस कायम है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? और आपका अक्षय कुमार की पैडमैन, सलमान खान की टाइगर जिंदा है और ऋतिक रोशन की सुपर 30 के बारे में क्या ख्याल है? आपको कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई और ऋतिक की सुपर 30 के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? इन तीनों फिल्म्स के बारे में आपके क्या रिव्यू हैं, स्पेशली पैडमैन के बारे में? हमें अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। और ऐसे ही बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहे हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बात है कि डायरेक्टर्स फिल्मों में शाहरुख और सलमान को एक साथ कास्ट नहीं करना चाहते। क्या जल्द ही रिलीज होने वाली है करण अर्जुन 2? क्या शाहरुख और सलमान के फैंस को दोबारा देखने को मिल सकती है उनकी जोड़ी? अगर नहीं तो इसमें कौन से नए एक्टर्स होंगे? इसमें एक्ट्रेस कौन सी होंगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम और आपका स्वागत करती हूँ बॉलीगार्ड स्टूडियोज पर।
आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 1995 में आई करण अर्जुन की रीमेक करण अर्जुन 2। दोस्तों, करण अर्जुन बॉलीवुड की एक ऐसी पिक्चर है जो कि अपने स्टार कास्ट के लिए बहुत मशहूर है। ये अभी एक इकलौती फिल्म है जिसमें कि सलमान और शाहरुख ने लीड रोल में साथ काम किया था। इस मूवी के बारे में हर चीज फेमस हुई थी, जैसे कि इसके डायलॉग्स हो या फिर इसका एक्शन। खास करके मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे तो एक ऐसा डायलॉग है जो कि अब तक सबके मुंह पर रहता है। अब क्या इसकी ऐसी रीमेक आ पाएगी जो लोगों को ओरिजिनल जितना ही पसंद आए? यह फिल्म वाकई अब तक की इतनी फेमस है कि हर कुछ सालों में इसके सीक्वल की खबरें आने लगती हैं। इसमें से बहुत तो अफवाहें भी होती हैं। लीड एक्टर्स की कास्ट में तो शाहरुख और सलमान के अलावा किसी और को होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हालांकि बीच में ऋतिक रोशन ने इसमें कास्ट होने में रुचि दिखाई थी। वैसे ये जानने में आपको ज्यादा हैरानी होगी कि इस फिल्म में ऋतिक 1995 से ही जुड़े हुए हैं। बस अंतर यह है कि 1995 वाले वर्जन में वो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर रहे थे और अब वो खुद इसमें स्टार करना चाहते हैं। ऊपर से ये फिल्म डायरेक्टर और ऋतिक के पापा राकेश रोशन ने भी बोला था कि अगर वो करण अर्जुन जैसी कोई और मूवी बनाएंगे तो ऋतिक और शाहरुख को साथ कास्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उनका शाहरुख और उनके परिवार से बिल्कुल फैमिली टर्म है और वो शाहरुख को अपनी बेटी की तरह देखते हैं। अब अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ सलमान के ही नहीं बल्कि इस फिल्म के फैंस को भी पसंद नहीं आएगा, पर हम तो बस देख ही सकते हैं कि क्या होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में एक्ट्रेस के तौर पर काजोल और ममता कुलकर्णी को कास्ट किया गया था और उनकी सलमान और शाहरुख के साथ जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आई थी। पर अब नई फिल्म के लिए दूसरी एक्ट्रेस को कास्ट करने की खबर मिली है और इस दौरान बॉलीवुड की लीड एक्ट्रेस के साथ नए एक्टर्स का भी नाम सामने आया। पहले सूत्रों से खबर मिली थी कि इस फिल्म में हीरोइंस के किरदार के लिए दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ को कॉन्टेक्ट किया जा रहा है, पर यह खबर कभी कंफर्म नहीं हुई। उसके बाद थोड़े थोड़े टाइम पर अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट और सारा अली खान का भी नाम इस फिल्म के नाम से जोड़ा गया था। सच कहा जाए तो अब तक कोई भी क्लियर आइडिया नहीं है कि इस फिल्म में किन एक्ट्रेस को कास्ट करने का सोचा जा रहा है। फिल्म के राइटर राकेश ने मीडिया को रिवील किया था कि फिल्म की कहानी पर काम शुरू हो गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि सीक्वल की कहानी एक नए सिरे से शुरू होगी या जहां पे पहले पार्ट की कहानी रुकी थी वहीं से शुरू होगी। पहले पार्ट की कहानी तो दो भाइयों के बीच की कहानी थी जिन्हें कहानी के विलन दुर्जन सिंह, जिसका रोल अमरीश पुरी ने लिया था, पर फिर अपनी माँ को बचाने के लिए वो दूसरा जन्म लेते हैं और ऐसा करने के लिए हर ऐसे इंसान से लड़ते हैं जिससे जरूरत पड़े। अब ऐसी कहानी को 2020 के दर्शकों को ध्यान में रखते हुए कैसे बनाया जाएगा, ये सोचने वाली बात है। अब चूंकि इसका नाम ही करण अर्जुन 2 है तो ये बात तो पक्की है कि सलमान और शाहरुख इसमें भी भाइयों का ही किरदार निभाएंगे, पर उसके आगे की क्या कहानी होगी या क्या दर्शाया जाएगा इसके बारे में कुछ नहीं पता चला है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना है। क्या ये वीडियो देख के आपके अंदर का फिल्म नर्ड को शांति मिली, या फिर अगर आप शाहरुख और सलमान के फैंस हैं तो क्या आपको भी यह वीडियो देख के बहुत रोमांच हो रहा है? अगर हाँ तो हमारे वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें बॉलीगार्ड स्टूडियोज को, और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सी एक्ट्रेस कास्ट होगी या फिर इन दोनों सुपरस्टार के सामने कौन सी एक्ट्रेस जीतेगी। और इसके साथ साथ ये कमेंट करना मत भूल जाइएगा कि हमारी अगली वीडियोस के किन किन अपकमिंग मूवीज या सीरीज के बारे में आप जानकारी चाहेंगे। क्या करण अर्जुन के सिक्वल में सन्नी देओल और अजय देवगन होंगे? करण अर्जुन के लिए राकेश रोशन की पहली पसंद कौन थी? करण अर्जुन के सिक्वल की शूटिंग कब से शुरू हो रही है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। 1995 में रिलीज हुई फिल्म करण अर्जुन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार सफलता हासिल की। इस मूवी में सलमान खान ने करण और शाहरुख खान ने अर्जुन का रोल अदा किया था। निर्देशक थे राकेश रोशन। लेकिन सलमान खान और शाहरुख खान इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे। राकेश रोशन ने अजय देवगन को करण और सनी देओल को अर्जुन का रोल ऑफर किया था। दोनों को रोल भी पसंद आ गए थे।
सनी देओल उस समय बड़े सितारे थे, उन्होंने राकेश रोशन से बहुत ज्यादा फीस मांगी। राकेश रोशन कभी भी सितारों को उनका बाजार मूल्य नहीं देते थे, इसीलिए उन्होंने सनी की मांग को मानने से इनकार कर दिया। ना सनी ने भाव कम किए और ना राकेश ने भाव बढ़ाए। नतीजा यह निकला कि सनी और राकेश ने एक दूसरे के साथ काम करने का इरादा छोड़ दिया। सनी के फिल्म से अलग होते ही शाहरुख खान को अर्जुन का रोल ऑफर किया गया। राकेश रोशन ने फिर एक बार अजय और शाहरुख को स्क्रिप्ट सुनाई। इस बार अनोखी बात हुई, शाहरुख को करण के रोल में और अजय को अर्जुन के रोल में दम नजर आया। दोनों ने अपने रोल बदलने की गुजारिश की, लेकिन राकेश ने बात नहीं मानी। अब खफा होने की बारी अजय की थी। एड्स का बहाना बनाकर अजय ने फिल्म छोड़ दी। राकेश का ये रुख देख अर्जुन का रोल करने के लिए शाहरुख राजी हो गए। करण का रोल आमिर खान को ऑफर किया, लेकिन उन्होंने फिल्म ठुकरा दी। आखिरकार अंत में ये भूमिका सलमान खान ने निभाई। फिल्म बनी और सुपरहिट रही। हीरोइन के रूप में फिल्म में काजोल और ममता कुलकर्णी नजर आई थी। ये दोनों भी पहली पसंद नहीं थी। जूही चावला और रवीना टंडन को फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन वह किसी कारण से कर नहीं पाई थी। अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो कहा जा रहा है कि राकेश रोशन चाहते हैं कि इसके सिक्वल में सनी देओल और अजय देवगन होने चाहिए, क्योंकि वो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। सनी देओल और अजय देवगन को अपने डायरेक्शन में वो एक साथ फिल्म करते देखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही एक्टर एक्शन और रोमांस और कॉमेडी इन सब चीजों से भरपूर है। अब ये देखना है कि करण अर्जुन के सिक्वल में क्या ऋतिक रोशन कैमियो रोल करेंगे। 90 के दशक में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी करण अर्जुन, जिसे कोई नहीं भुला सकता। इस फिल्म से सलमान खान और शाहरुख खान के करियर को ऊंचाइयां मिली। ये उस वक्त इन दोनों के करियर के लिए काफी जरूरी फिल्म भी रही थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और दोनों ही स्टार्स की जुगलबंदी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और ये फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए सलमान खान और शाहरुख खान डायरेक्टर राकेश रोशन की पहली पसंद नहीं थे, बल्कि दो ऐसे भाई थे जो रियल ब्रदर थे, उनको डायरेक्टर राकेश रोशन इस फिल्म में लेना चाहते थे। तो वो कौन दो सगे भाई थे जिनको डायरेक्टर राकेश रोशन ने इस फिल्म में लेने की बात कही थी? सनी देओल को तो आप सभी जानते हैं। सनी देओल अपने टाइम के काफी अच्छे एक्टर रहे हैं। उनकी कई हिट फिल्में रही हैं जो लोगों को आज भी याद रहती है। उनका वो लुक सबको याद रहता है, उनका एंग्री लुक, उनके डायलॉग्स हर किसी की जुबान पर रहते हैं। 1983 में उन्होंने फिल्म बेताब से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें उनके साथ अमृता सिंह नजर आई थी और ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के गाने भी काफी ज्यादा पसंद किए गए थे। तो वहीं सनी देओल के भाई यानी कि बॉबी देओल ने 1995 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था फिल्म बरसात से। ये फिल्म भी उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही थी और दर्शकों ने इस फिल्म को भी खूब पसंद किया और इसके गाने भी खूब ज्यादा हिट हुए थे। वहीं क्या आप जानते हैं कि डायरेक्टर राकेश रोशन इन दोनों भाइयों को करण अर्जुन में लेना चाहते थे? जी हाँ, रियल ब्रदर्स को। लेकिन जब राकेश रोशन सनी देओल के पास इस फिल्म का ऑफर लेकर गए तो सनी देओल ने फिल्म में काम करने के लिए तो हाँ कर दी। उनको स्क्रिप्ट भी काफी पसंद आई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म में बॉबी देओल को भी कास्ट किया जा रहा है तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि वो अपने भाई के साथ फिल्म में काम नहीं करना चाहते थे। इसके बाद राकेश रोशन गए अजय देवगन के पास। अजय देवगन ने भी इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि वो शाहरुख खान के साथ काम नहीं करना चाहते थे। इसीलिए फाइनली इस फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान को कास्ट किया गया और फिल्म आप सबके सामने है कि ये फिल्म कितनी बड़ी हिट रही है। वो कहते हैं ना, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। शायद ये फिल्म अजय देवगन या बॉबी देओल या सनी देओल की किस्मत में ही नहीं थी, ये फिल्म सलमान खान और शाहरुख खान के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। और कई दिनों से इस फिल्म के सीक्वल की चर्चा भी बॉलीवुड में जोरों से हो रही है।
और सब चाहते भी हैं कि इस फिल्म का सीक्वल बनाया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी बॉलीवुड कल्ट फिल्म रही है तो जाहिर सी बात है फिल्म का सीक्वल जरूर बनना चाहिए। इनफैक्ट इन दिनों ऐसी चर्चा हो रही है कि राकेश रोशन शायद इस लॉकडाउन के चलते इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और हो सकता है कि इस लॉकडाउन के खत्म होने के बाद इस फिल्म की हमें अनाउंसमेंट भी सुनने को मिल जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब करण अर्जुन फिल्म बनी थी तब शाहरुख खान और सलमान खान इतने बड़े स्टार्स नहीं थे, उन दोनों ने साथ में काम कर लिया था, उतनी दिक्कतें नहीं आई। लेकिन क्या आज इस समय जब वो बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार्स बन चुके हैं, क्या वो एक साथ इस फिल्म में काम करने को राजी होंगे? करण अर्जुन वो पहली फिल्म थी जिसमें सलमान खान और शाहरुख की जोड़ी पर्दे पर पहली बार नजर आई थी। इन दोनों के अलावा इस फिल्म में काजोल, ममता कुलकर्णी, राखी और अमरीश पुरी भी मुख्य भूमिकाओं में थे। करण अर्जुन उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शाहरुख और काजोल की जोड़ी ही थी। ये फिल्म पहले आमिर को ऑफर हुई थी और उन्हें इसकी कहानी भी पसंद थी, लेकिन जैसा कि बॉलीवुड की अधिकतर फिल्मों में होता है, इस फिल्म की कास्टिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। डायरेक्टर राकेश रोशन सबसे पहले फिल्म में सलमान खान और आमिर खान को लेना चाहते थे। सलमान तो मान गए, लेकिन आमिर ने बोला कि फिल्म की कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो खुद को इसमें नहीं देख पा रहे हैं, मतलब वो इस फिल्म से सेटिस्फाइड नहीं थे। इसके बाद राकेश ने सलमान वाले कैरेक्टर यानी करण के लिए अजय देवगन को अप्रोच किया और दूसरे लीड के लिए शाहरुख को। इसके पीछे वजह ये थी कि अजय लगातार दिलवाले, विजयपथ, कानून, सुहाग जैसी एक्शन फिल्में करने के बाद कोई रोमांटिक रोल करना चाहते थे, जबकि शाहरुख का मामला ठीक उसके उलट था। वो पहला नशा, कभी हाँ कभी ना, राम जाने और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी रोमांटिक फिल्मों के बाद कोई एक्शन फिल्म चाहते थे। राकेश रोशन की इस फिल्म में दोनों के लिए भरपूर मसाला था, लेकिन अजय ने किसी वजह से ये फिल्म छोड़ दी। आखिर में फिल्म सलमान और शाहरुख के साथ बनी। जहां शाहरुख सीन में घुस जाते, वहीं सलमान बीच में जाकर अपना चेहरा साफ करने लगते। फिल्म के फर्स्ट हाफ में एक सीन है जहां दुर्जन सिंह करण अर्जुन का कत्ल कर देता है। वो सीन भरी दोपहरी में बालू पर शूट हो रहा था। एक्टर्स को शूट करने में बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि गर्मी बहुत थी। ऊपर से बालू पर गिरने से उनका मेकअप भी खराब हो जा रहा था। कई बार यूं होता कि शूटिंग के दौरान शाहरुख पूरी तरह से सीन में घुसे होते थे और सलमान बीच शॉट में अपना चेहरा साफ करने चले जाते। वो चाहते थे कि स्क्रीन पर उनका चेहरा अच्छा और साफ सुथरा दिखे। ये सीन इसी तरह शूट हुआ और फिल्म में भी लिया गया। आज भी आप फिल्म में देख पाएंगे जहां शाहरुख के चेहरे पर बहुत सारी बालू चिपकी है, वहीं सलमान के चेहरे पर सिर्फ पसीना है। करण अर्जुन की अधिकतर शूटिंग राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में हुई थी। फिल्म की लीड हीरोइन ने सलमान और शाहरुख को एक साथ झाड़ दिया था। फिल्म करण अर्जुन में एक गाना है, आजा आजा भंगड़ा पाले। इसे चिन्नी प्रकाश ने कोरियोग्राफ किया था। फिल्म में शाहरुख के साथ काजोल और सलमान के साथ ममता कुलकर्णी थी। गाने के एक हिस्से की शूटिंग खत्म होने के बाद ममता ने सीटी मारकर सलमान और शाहरुख को अपने पास बुलाया। पहले तो एक्टर्स को लगा किसी और को बुला रही होंगी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। सलमान ने शाहरुख को कहा कि वो उन्हें बुला रही हैं। शाहरुख जैसे ही ममता के पास पहुंचे, ममता ने हड़काना शुरू कर दिया। ममता ने कहा कि इस सीन में उनके स्टेप्स बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन उन दोनों के डांस की वजह से ये गाना खराब हो रहा है। साथ ही अगले दिन से सेट पर रिहर्सल करके आने का भी आदेश दिया। वैसे सलमान और शाहरुख का मानना था कि हमने एकदम सही डांस किया है। इसके बाद से शाहरुख और सलमान रोज सुबह 5 बजे उठकर उस दिन शूट होने वाले हिस्से की प्रैक्टिस किया करते थे और फिर सेट पर जाते थे। जब इस गाने के आखिरी हिस्से की शूटिंग चल रही थी, तब कोरियोग्राफर ने ममता से कहा कि ये दोनों लड़के बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपके स्टेप गड़बड़ हैं। ये सलमान और शाहरुख के लिए प्राइड वाला मूवमेंट था। फिल्म का सबसे हिट गाना शुरू में ही रिजेक्ट कर दिया गया था। करण अर्जुन के लिए म्यूजिक बनाने का जिम्मा डायरेक्टर राकेश के भाई राजेश रोशन को दिया गया था। राजेश एक दिन यूं ही फिल्म से रिजेक्ट किए गए सभी गाने सुनने लगे। उसमें से एक गाना उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने उसे फिल्म में इस्तेमाल करने का मन बना लिया। राजेश का मानना था कि ये गाना अधूरा है और फिल्म के लिए फिट भी नहीं है, लेकिन राकेश के कहने पर वो गाना जबरदस्ती रिकॉर्ड किया गया, उसे फिल्माया गया और शाहरुख और काजोल की हिट जोड़ी पर वो गाना रिलीज होने के बाद बहुत हिट हुआ। गाना था
जाती हूँ मैं जल्दी है क्या। सलमान ने इसी एक्शन फिल्म के लिए बॉडी बनाकर पहली बार अपनी शर्ट उतारी थी। इस फिल्म से पहले सलमान ने कोई प्रॉपर एक्शन फिल्म नहीं की थी, इसलिए उनकी बॉडी भी कुछ खास नहीं थी। लेकिन इस फिल्म से पहले सलमान ने अपनी फिजिक पर बहुत काम किया था और जबरदस्त बॉडी बनाई। इस फिल्म में उनकी बॉडी देखकर उनके डायरेक्टर भी बहुत इंप्रेस हुए थे। करण अर्जुन में असिस्टेंट रहे राकेश रोशन के बेटे ऋतिक ने कहोना प्यार से बॉलीवुड में एंट्री लेने वाले थे, लेकिन तब उनकी फिजिक भी बिल्कुल लीन थी। राकेश रोशन के कहने पर सलमान ने ऋतिक को बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी। उसके बाद ऋतिक भी बिल्कुल फिटनेस फ्रीक हो गए। आज ऋतिक को बॉलीवुड में सबसे फिट बॉडी वाला एक्टर माना जाता है। तो दोस्तों, ये तो तय है कि इस फिल्म का सीक्वल जरूर बनेगा और इस बार भी इस फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ही होंगे। लेकिन उनके अपोजिट किस एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा, इस बात पर कोई खुलासा नहीं किया गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म के सीक्वल बनाने के लिए राइट्स को नए प्रोड्यूसर्स को बेच दिया है और इस फिल्म की कहानी पर अभी काम चल रहा है। जैसे ही इस फिल्म की स्क्रिप्ट बनकर तैयार होती है, इसकी शूटिंग भी जल्द से जल्द शुरू की जाएगी और इस बार इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर शूट किया जाएगा। यानी कि इस फिल्म को हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी शूट किया जाएगा। और इस फिल्म में अमरीश पुरी वाला रोल कौन करेगा, यानी कि इस बार कौन सा खलनायक होगा, कौन सा नया चेहरा होगा खलनायक के रूप में, इस बात पर अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन सूत्रों की माने तो अभी एक नए खलनायक की तलाश जारी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शाहरुख खान और सलमान खान दोनों मिलकर कुछ बड़ा धमाका कर पाएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीक्वाद स्टूडियोज। क्या सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान का फिर से पुनर्जन्म होगा? आखिर क्यों चाहते हैं शाहरुख खान कि करण अर्जुन का सीक्वल बनना चाहिए और करण अर्जुन बॉलीवुड की कल्ट फिल्म क्यों है? हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राफ के फिल्मी गलियारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले एक साल से शाहरुख खान ने कोई भी फिल्म साइन नहीं की। अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो चारों तरफ चर्चा है कि सलमान खान और शाहरुख खान की जोड़ी एक बार फिर से पर्दे पर दिखेगी और वो भी किसी नई फिल्म की कहानी में नहीं बल्कि करण अर्जुन के सीक्वल में दिख सकती है। क्योंकि करण अर्जुन की सफलता इस बात में थी कि उसकी जो कहानी थी, उस फिल्म के जो गाने थे और उस फिल्म के जो संवाद थे, वो अपने आप में लाजवाब थे। हालांकि जब इस फिल्म का सीक्वल बनेगा तो आप सब उस फिल्म के खलनायक यानी उस महान अभिनेता को मिस करेंगे, हमारे अमरीश पुरी साहब को, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय के दम पर बॉलीवुड में एक ऐसी लकीर खींची है जिस लकीर को कोई काट नहीं सकता। बल्कि लकीर कहना भी छोटी बात है, उन्होंने एक ऐसा हिमालय या एक ऐसा एवरेस्ट खड़ा कर दिया है अपने अभिनय के दम पर कि उसके आसपास खड़ा होने की जरूरत भी कोई नहीं कर सकता। जब भी अमरीश पुरी साहब कोई भी संवाद बोलते थे तो ऐसा लगता था वो संवाद नहीं बोल रहे, ऐसा लगता था कि उन्होंने अपनी आत्मा को शब्दों में पिरो दिया कि करण अर्जुन के सिक्वल में आखिर लोगों का क्यों मानना है कि सलमान खान और शाहरुख खान को ही होना चाहिए। मेरा तो मानना है कि अगर सलमान खान और शाहरुख खान नहीं करना चाहते तो उनकी जगह पर आप किसी और नए स्टार को भी ले सकते हैं, जैसे कि अभी टाइगर श्रॉफ है, ऋतिक रोशन है, क्योंकि करण अर्जुन को तो ऋतिक रोशन के पिताजी ने ही बनाया था। लेकिन कुछ सालों पहले इसके सीक्वल की जो घोषणा होने वाली थी वो एकाएक रुक क्यों गई?
इसके पीछे भी एक कहानी। दरअसल ऐसा हुआ था कि सलमान खान और राकेश रोशन के बीच बहुत नजदीकियां थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो नजदीकियां हैं उनमें एक दरार सी आ गई, और वो दरार दरअसल कोई पर्सनल नहीं थी, बस फिल्मों को लेकर की थी। दरअसल सलमान खान अपनी एक फिल्म रिलीज करना चाहते थे और उसी समय ऋतिक रोशन भी अपनी एक फिल्म रिलीज करना चाहते थे। बस फिर क्या था, हमारे देश की मीडिया है ही ऐसी, दोनों के बीच उन्होंने आग बो दी। लेकिन अब वो आग खत्म हो गई है, हालांकि चारों तरफ कुहासा छाया हुआ है और दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, लेकिन उनके बीच जो बुराइयां थी वो धीरे धीरे मिट सी गई। इसीलिए कहा जा रहा है कि करण अर्जुन का सिक्वल बन सकता है। अगर करण अर्जुन का सिक्वल बनता है तो उसकी कहानी क्या होगी? करण अर्जुन का जो सिक्वल है उसकी जो कहानी है पुनर्जन्म पर आधारित है, लेकिन इस बार करण अर्जुन की कहानी कुछ इस प्रकार होगी कि करण और अर्जुन दोनों एक ही मां के कोख से जन्म लेंगे, लेकिन वो आज के टेक्नोलॉजी के तहत जन्म लेंगे, यानी कि जो भ्रूण है वो परिवर्तित हो जाएगा। जैसा कि आपने अभी देखा है कि हाउसफुल 4 के हीरो अक्षय कुमार की जो फिल्म आने वाली है गुड न्यूज, उसमें भी कुछ इसी प्रकार की कहानी है। तो जो वो भ्रूण परिवर्तित होता है वो किस प्रकार से होगा, यह है उसका इंटरेस्टिंग पहलू। बेसिकली जो पुनर्जन्म हो रहा होगा तो जो हमारे नक्षत्र है, ग्रह है, जिनके बारे में आप सब लोग जानते हैं, उसी समय धरती अपना करवट बदल रही होगी, और करवट बदलने के कारण वो जो भ्रूण है वो एक प्रकार से परिवर्तित होगा। जैसा कि आप लोगों ने जुम्मा जी में देखा होगा कि जो उनके करेक्टर है वो गेम्स में चले जाते हैं, वो एक टेक्नोलॉजी का माध्यम है, दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि अभी हमारे देश की तकनीकी व्यवस्था किस प्रकार से हो गई है। लेकिन हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी को दिखाया जाएगा उसमें मैथोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों को जोड़ दिया जाएगा, उन दोनों चीजों को जोड़ करके फिर कहानी बनाई जाएगी। और वैसे भी आप लोगों ने देखा ही है कि राकेश रोशन इन दोनों चीजों को जोड़ने में बहुत ही महान है। अगर आप उनकी क्रिश को देखें, या कोई मिल गया को देखें, या क्रिश 2 को देखें, इन दोनों में भी उन्होंने मिथोलॉजी और साइंस का ऐसा फिक्शन किया है कि वो देखने में लाजवाब है। और ऐसा ही फिक्शन आपको करण अर्जुन के सिक्वल में दिखाई देगा। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप लोग चाहते हैं कि करण अर्जुन का सिक्वल बने? और अगर करण अर्जुन का सिक्वल बने तो इसमें क्या सलमान खान और शाहरुख खान को कास्ट करना चाहिए या फिर किसी नए चेहरे? आज के लिए बस इतना ही। नब्बे के दशक के ऐसे कौन से दो सुपरस्टार हैं जिन्होंने बॉलीवुड को अपने कदमों में झुकने के लिए मजबूर कर दिया? और जब इन दोनों स्टार्स ने करण अर्जुन में साथ काम किया तो क्यों बॉलीवुड को लगने लगा कि ये भविष्य के सुपरस्टार हैं? और ऐसे क्यों माना जा रहा है कि करण अर्जुन का सीक्वल बनना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, करण अर्जुन के 5 मजेदार किस्से ऐसे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि करण अर्जुन वो पहली फिल्म थी जिसमें सलमान और शाहरुख की जोड़ी पहली बार पर्दे पर नजर आई थी। इन दोनों के अलावा फिल्म में काजोल, ममता कुलकर्णी, राखी और अमरीश पुरी भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। करण अर्जुन उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी।
और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और दोस्तों इस फिल्म में भी शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी नजर आई थी। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उन पांच मजेदार किस्सों के बारे में। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि फिल्म पहले आमिर खान को ऑफर हुई थी और उन्हें इसकी कहानी भी पसंद थी। अब लेकिन क्या हुआ ये तो सवाल है, तो चलिए फिर हम बताते हैं आपको। जैसा कि बॉलीवुड की अधिकतर फिल्मों में होता है, इस फिल्म की कास्टिंग में भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। डायरेक्टर राकेश रोशन सबसे पहले फिल्म में सलमान और आमिर खान को लेना चाहते थे। सलमान तो मान गए, लेकिन आमिर ने बोला कि फिल्म की कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो खुद को इसमें देख नहीं पा रहे हैं। मतलब वो इस फिल्म से सेटिस्फाइड नहीं थे। इसके बाद राकेश ने सलमान वाले कैरेक्टर के लिए अजय देवगन को अप्रोच किया और दूसरे लीड के लिए शाहरुख खान को। और इसके पीछे की वजह ये थी कि अजय लगातार दिलवाले, विजयपथ, कानून और सुहाग जैसी एक्शन फिल्में करने के बाद कोई रोमांटिक रोल करना चाहते थे, जबकि शाहरुख का मामला इससे ठीक उलट था। वो पहला नशा, कभी हाँ कभी ना और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी रोमांटिक फिल्मों के बाद कोई एक्शन फिल्म करना चाहते थे। राकेश रोशन की इस फिल्म में दोनों के लिए ही भरपूर मसाला था, लेकिन अजय ने किसी वजह से ये फिल्म छोड़ दी और आखिर में फिल्म सलमान और शाहरुख के साथ बनी। दोस्तों दूसरा किस्सा ये है कि जहां शाहरुख सीन में घुस जाते तो वहीं सलमान बीच में जाकर अपना चेहरा साफ करने लगते। जी हां, फिल्म के फर्स्ट हाफ में एक सीन है जहां दुर्जन सिंह करण अर्जुन का कत्ल कर देता है। वो सीन भरी दोपहरी में बालू पर शूट हो रहा था और एक्टर्स को शूट करने में बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि गर्मी बहुत थी। ऊपर से बालू पर गिरने से उनका मेकअप भी खराब हो जा रहा था और कई बार यूं होता कि शूटिंग के दौरान शाहरुख पूरी तरह से सीन में घुसे होते और वहीं सलमान बीच शॉट में अपना चेहरा साफ करने चले जाते। वो चाहते थे कि स्क्रीन पर उनका चेहरा अच्छा और साफ सुथरा दिखे। और दोस्तों ये सीन इसी तरह शूट किया गया और फिल्म में भी लिया गया। और आज भी आप फिल्म देखें तो पाएंगे कि जहां शाहरुख के चेहरे पर बहुत सारी बालू चिपकी है तो वहीं सलमान के चेहरे पर सिर्फ पसीना है। करण अर्जुन की अधिकतर शूटिंग राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं तीसरे किस्से की ओर। फिल्म की लीड हीरोइन ने सलमान और शाहरुख को एक साथ झाड़ दिया था। जी हाँ, फिल्म करण अर्जुन में एक गाना है आजा आजा भंगड़ा पाले, इसे चिन्नी प्रकाश ने कोरियोग्राफ किया था और फिल्म में शाहरुख के साथ काजोल और सलमान के साथ ममता कुलकर्णी थी। गाने के एक हिस्से की शूटिंग खत्म होने के बाद ममता ने सीटी मारकर सलमान और शाहरुख को अपने पास बुलाया। पहले तो एक्टर्स को लगा किसी और को बुला रही होंगी, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। सलमान ने शाहरुख को कहा कि वो उन्हें बुला रही है। शाहरुख जैसे ही ममता के पास पहुंचे, ममता ने हड़काना शुरू कर दिया। ममता ने कहा कि इस सीन में उनके स्टेप्स बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन उन दोनों के डांस की वजह से ये गाना खराब हो रहा है। साथ ही अगले दिन से सेट पर रिहर्सल करके आने का भी आदेश दिया। वैसे सलमान शाहरुख का मानना था कि हमने एकदम सही डांस किया है। इसके बाद से शाहरुख और सलमान रोज सुबह 5 बजे उठकर उस दिन शूट होने वाले हिस्से की प्रैक्टिस करते और फिर सेट पर आते। जब इस गाने के आखिरी हिस्से की शूटिंग चल रही थी, तब कोरियोग्राफर ने ममता से कहा कि ये दोनों लड़के बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपके स्टेप्स गड़बड़ हैं। और ये सलमान और शाहरुख के लिए प्राइड वाला मोमेंट था। करण अर्जुन के लिए म्यूजिक बनाने का जिम्मा डायरेक्टर राकेश के भाई राजेश रोशन को मिला था। राकेश एक दिन यूं ही फिल्म से रिजेक्ट किए गए सभी गाने सुनने लगे। उसमें से एक गाना उन्हें बहुत पसंद आ गया, उन्होंने उसे फिल्म में इस्तेमाल करने का मन बना लिया। राजेश का मानना था कि ये गाना अधूरा है और फिल्म के लिए फिट भी नहीं है, लेकिन राकेश के कहने पर वो गाना जबरदस्ती रिकॉर्ड किया गया और उसे फिल्माया गया शाहरुख और काजोल की हिट जोड़ी पर। और वो गाना रिलीज होने के बाद बहुत बड़ा हिट हुआ। गाने का नाम था जाती हूँ मैं जल्दी है क्या। दोस्तों बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। सलमान ने इसी एक्शन फिल्म के लिए बॉडी बनाकर पहली बार अपनी शर्ट उतारी थी। जी हाँ, फिल्म से पहले सलमान ने कोई प्रॉपर एक्शन फिल्म नहीं की थी और इसलिए उनकी बॉडी भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन इस फिल्म से पहले सलमान ने अपनी फिजिक पर बहुत काम किया और जबरदस्त बॉडी बनाई।
इस फिल्म में उनकी बॉडी देखकर उनके डायरेक्टर भी बहुत इम्प्रेस हुए थे। करण अर्जुन में असिस्टेंट रहे राकेश रोशन के बेटे ऋतिक कहो ना प्यार है से बॉलीवुड में एंट्री लेने वाले थे, लेकिन तब उनकी फिजिक भी बिल्कुल लीन थी। राकेश के कहने पर सलमान ने ऋतिक को बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी। उसके बाद ऋतिक भी बिल्कुल फिटनेस फ्रीक हो गए और आज ऋतिक को बॉलीवुड में सबसे फिट बॉडी वाला एक्टर माना जाता है। दोस्तों, सलमान खान को बॉलीवुड में 28 साल गुजर चुके हैं और अगर बात करें उस फिल्म की जिसने सलमान को सलमान बनाया, तो ये तब की बात है जब बॉलीवुड में कोई भाई नहीं हुआ करता था। एहसानों, इल्जामों, जीने मरने, ब्लैक बक टाइगर की कोई बात नहीं होती थी क्योंकि भाई मेकिंग में था और ये पहली फिल्म थी सलमान खान की, या यूं कहें कि इंडिया के सबसे बड़े राइटर के बेटे की। हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर सब लोग नए थे, बस स्टोरी वही पुरानी सलमान खान टाइप की। दोस्तों, फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया और ये फिल्म 29 दिसंबर 1989 में रिलीज हुई थी। मतलब ये कि आज सलमान खान को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे 28 साल हो गए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सलमान खान पहले ही ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिए गए थे? जी हाँ, राजश्री प्रोडक्शन ने एक फिल्म अनाउंस की और तय किया कि फिल्म में सिर्फ नए चेहरों को ही कास्ट किया जाएगा और तलाश शुरू हुई। कई एक्ट्रेस के नाम आए और गए। फिर एक दिन एक्ट्रेस शबीना दत्त के कहने पर सलमान खान को बुलाया गया और फिल्म के डायरेक्टर सूरज को वो पहली नजर में ही प्रेम के किरदार के लिए छोटे लगे। फिर भी उनका ऑडिशन ले लिया गया, जो सूरज को बिल्कुल पसंद नहीं था, और उन्होंने मन बना लिया कि सलमान तो फिल्म के हीरो नहीं होंगे। ऊपर से सलमान उनकी नए चेहरे वाली रिक्वायरमेंट में फिट नहीं हो रहे थे क्योंकि वो फिल्म बीवी हो तो ऐसी में सपोर्टिंग रोल कर रहे थे। सलमान ने फिर भी हार नहीं मानी और लगातार उनके पीछे लगे रहे। वो सूरज को एक के बाद एक लोगों के नाम सुझाते रहते जो ये रोल कर सकते थे। 4-5 महीने तक यही चलता रहा। एक दिन सूरज किसी काम से फिल्म बीवी हो तो ऐसी के सेट पर पहुंचे, जहां सलमान, रेखा और फारूक शेख के साथ शूटिंग कर रहे थे। सूरज को वहां देखते ही सलमान उनके गले लग गए। सूरज ने असहज होते हुए सलमान को बताया कि वो उन्हें फिल्म में नहीं ले रहे हैं। सलमान ने फटाक से एक एक्टर का नाम बताते हुए उनसे कहा कि आप इसे ले लीजिए, ये मुझसे बेहतर है। और वहां से बाहर निकलते वक्त सूरज ने तय किया फिल्म में सलमान ही होंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ ये एक ऐसी फिल्म भी थी जिसमें पहली बार हीरोइन ने जीन्स पहनी थी। जी हाँ, भाग्यश्री महाराष्ट्र के पटवर्धन राजघराने से आती हैं। उनका पूरा नाम भी भाग्यश्री राजे पटवर्धन है। उनके यहाँ की लड़कियाँ सिर्फ चूड़ीदार पहनती थी। अपनी डेब्यू फिल्म मैंने प्यार किया में उन्होंने वही पहनावा रखने की गुजारिश की। फिल्म के डायरेक्टर सूरज भट्टाचार्य ने उनसे कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट के मुताबिक उन्हें कुछ सीन में जीन्स और वन पीस भी पहनना है और इससे भाग्यश्री परेशान हो गई। ऐसे में सूरज ने उनके पापा से बात करके वो इजाजत ले ली। फिल्म के सेट पर भाग्यश्री ने पहली बार वन पीस गाउन पहना था। फिल्म में सलमान के साथ उनका एक किसिंग सीन भी था जिसे करने से उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन फिर दोनों के बीच शीशा लगाकर वो सीन फिल्माया गया। दोस्तों, मोहनीश बहल का एक्टिंग करियर कुछ सही नहीं चल रहा था। ऐसे में उन्होंने पायलट बनने की बात सोची और फ्लाइंग लाइसेंस ले लिया। तब मैंने प्यार किया में सलमान को कास्ट किया जा चुका था। सलमान और मोहनीश अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने फिल्म में एक रोल के लिए सूरज को मोहनीश का नाम रिकमेंड किया। ऑडिशन हुआ और मोहनीश कास्ट कर लिए गए। फिल्म में उन्होंने जीवन नाम का निगेटिव किरदार निभाया था और ये फिल्म उनके करियर के लिए संजीवनी बूटी साबित हुई। 90 के दशक में वो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने वाले बड़े नामों में गिने जाने लगे। सलमान खान की ये फिल्म रिलीज हुई और बहुत जबरदस्त हिट साबित हुई। 2 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 28 करोड़ का बिजनेस किया था। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर कर दिया। और इतना ही नहीं, 35वें फिल्म फेयर अवार्ड में मैंने प्यार किया 12 कैटेगरी में नॉमिनेट की गई, जिसमें से फिल्म ने बेस्ट फिल्म और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर समेत 6 अवार्ड्स जीते और ये उस समय का रिकॉर्ड था जिसे 1995 में आई शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने 10 अवार्ड्स जीतकर तोड़ा।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि करण अर्जुन का सीक्वल बनना चाहिए या नहीं? और दोस्तों जब करण अर्जुन 2 बॉक्स ऑफिस पर आएगी तो बॉलीवुड की कल्ट मानी जाने वाली फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, जैसे कि दंगल और बाहुबली 2? तो दोस्तों अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज के साथ। क्या वजह है कि डायरेक्टर राकेश रोशन अपनी 1995 में आई फिल्म करण अर्जुन के सीक्वल को लेकर नाखुश है? क्या ये वजह फिल्म से जुड़े सितारे सलमान और शाहरुख को लेकर है या बात कुछ और ही है? डायरेक्टर राकेश रोशन हाल ही में काफी परेशान चल रहे हैं और उनकी परेशानी की वजह सिर्फ लॉकडाउन नहीं है, उनकी परेशानी की वजह है करण अर्जुन 2। तो 1995 में आई दमदार एक्शन पैक फिल्म करण अर्जुन का सीक्वल जल्द ही आने वाला था, लेकिन लॉकडाउन के चलते अब लगता है मेकर्स इस फिल्म को इस साल नहीं रिलीज करेंगे। लेकिन क्या इस फिल्म की कहानी लिखी जा चुकी है? क्या फिल्म के सितारों में कोई चेंजेस किए गए हैं या पुरानी कास्ट के साथ ही इस फिल्म को एक नए अंदाज में पेश किया जाएगा? ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा ताकि आप जान सकें कि बॉलीग्राड में इसके बारे में क्या नया कुछ बताया गया है। 1995 में आई फिल्म करण अर्जुन ने हाल ही में अपने 25 साल यानी कि सिल्वर जुबली पूरी कर ली है। फिल्म में एक्शन था, ड्रामा था, कॉमेडी और डांस के साथ साथ सलमान और शाहरुख की दमदार जोड़ी थी। दोस्तों ये फिल्म वही फिल्म है जिसमें सबसे पहले सलमान और शाहरुख साथ साथ काम करते देखे गए थे। ये वही फिल्म थी जिसमें सलमान ने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करके स्क्रीन पर नंगा नाच यानी कि शर्टलेस सीन्स दिए थे और उसके बाद तो सलमान की पॉपुलैरिटी ने आसमान की बुलंदियां छूमी और ऐसी छूमी कि वो अब पूरी इंडस्ट्री के भाई बन चुके हैं। फिल्म सिर्फ सलमान और शाहरुख के नाम ही नहीं थी, फिल्म की सबसे स्ट्रॉन्ग कड़ी यानी करण अर्जुन की माँ दुर्गा सिंह का काफी अहम रोल था, जो अपने बेटों के मरने के बाद भी उनके आने की राह देख रही थी। दुर्गा सिंह यानी राखी गुलजार के इस कैरेक्टर को काफी वाहवाही मिली थी, खासकर उनके डायलॉग मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे, ये डायलॉग आज भी एक कल्ट माना जाता है। इस फिल्म में विलन की भी बड़ी संख्या थी, अमरीश पुरी साहब, रंजीश, आसिफ शेख से लेकर महाभारत के अर्जुन यानी नाहर सिंह भी इस फिल्म में नेगेटिव रोल में थे। फिल्म में जहां एक्शन था, फाइटिंग सीन्स थे, वहीं फिल्म में जॉनी लीवर और अशोक सराफ की धमाल कॉमेडी के जरिए इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर कहा जा सकता है। कॉमेडी के तड़के के साथ इस फिल्म का नसीब ही बदल गया था।
फिल्म के गाने भी बहुत मशहूर हुए। शाहरुख और काजोल की नई जोड़ी भी बी टाउन में हिट हो गई, जिसके बाद उन्होंने कई फिल्में एक साथ की और जिसे ऑडियंस की वाहवाही भी मिली, जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्में शामिल हैं। और अब हिट जोड़ी को तोड़ा जा रहा है। आपने बिल्कुल सही सुना, इस हिट जोड़ी को तोड़ा जा रहा है। अब राकेश रोशन ने फिल्म में शाहरुख और काजल की जोड़ी को नहीं, लेकिन एक नई जोड़ी को लेकर फिल्म बनाने का फैसला किया है। बहुत विचार करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि सलमान और शाहरुख को फिल्म के कास्ट किया जाएगा, तो ये एक गुड न्यूज है। लेकिन सवाल अब ये है कि सलमान और शाहरुख के साथ फिल्म में कौन होगा? क्या राकेश रोशन बॉलीवुड के सबसे बड़े और महंगे सितारों को एक साथ कास्ट कर पाएंगे? क्या वो अपनी मूवी का बजट 500 करोड़ तक ले जाएंगे? डायरेक्टर राकेश रोशन की माने तो वो धर्म संकट में चल रहे हैं। जहां वो एक तरफ फिल्म में अजय देवगन और सनी देओल को कास्ट करना चाहते थे, वहीं फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखकर सलमान और शाहरुख खान भी उनके दिमाग में छाए हुए थे। तो कौन सी जोड़ी को चुना उन्होंने, वो तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन इनके साथ फीमेल एक्ट्रेस कौन होगी, वो अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो काफी दिलचस्प है, तो आइए फिल्म की कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की कहानी दोस्तों एक्शन से भरपूर होगी। पहली फिल्म जहां रीबर्थ यानी पुनर्जन्म के ऊपर फिल्म आई गई थी, वहीं दोस्तों इसमें कुछ नया दिखाया जाएगा। खबरों के मुताबिक फिल्म दो भाइयों की कहानी होगी, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट है। ट्विस्ट ऐसा है कि दो भाई बचपन में एक दूसरे से पिछड़ गए हैं और दोनों अलग अलग माहौल में पले बड़े, दोनों एक बार फिर से मिलेंगे। लेकिन कहानी का वो जो ट्विस्ट कैसा होगा, कब आएगा, वो जब आप मूवी देखेंगे आपको तभी पता चलेगा। तो मूवी का इंतजार करिए और तब तक फल खाते रहिए। फिल्म में जहां एक भाई रोमियो तो दूसरा भाई दबंग होगा और दोनों भाई अपनी अपनी जिंदगियों में बिजी होंगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां दोनों का आमना सामना होगा और वो दोनों आमना सामना ऐसे करेंगे जैसे कि महाभारत का युद्ध हो और वो युद्ध एक ही लड़की के पीछे होगा। अब देखना यह है कि वो लड़की कौन होगी, वो आखिर फीमेल एक्ट्रेस कौन सी होगी जिसको राकेश रोशन अपनी मूवी में लेंगे। फिल्म का प्लॉट यू भी हो सकता है कि वो लड़की उनको किसी अनकही साजिश के तले फंसा दे और फिर फिल्म का एक नया ही रूप सामने आएगा। क्या इसके चलते दोनों भाई में नफरत पैदा हो जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ऑब्वियस है, एक लड़की के पीछे दो भाई लगे हैं तो कहीं ना कहीं नफरत तो पैदा हो सकती है। और उनकी माँ, क्या वो उनकी शक्लों को पहचान पाएगी? कहना मुश्किल है क्योंकि वो बचपन में गुम हो गए थे, तो बड़े हो गए शक्ल को पहचानना वो तो और भी मुश्किल काम है। ये कहानी और दिलचस्प हो रही है कि कैसे उनकी माँ उनको पहचानेगी, क्या कोई राज होगा, क्या कोई निशानी होगी जिसके वजह से वो उन दोनों को पहचान पाएगी। फिल्म की हीरोइन कौन होगी, कैसी होगी, इसका अभी अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है। अगर आपको लगता है कि इस फिल्म में कौन सी हीरोइन होनी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए आप कौन सी हीरोइन को करण अर्जुन 2 में देखना चाहते हैं। तो ये बहुत ही हिट फिल्म हो सकती है अगर इसको इसी मसाले के साथ बनाया जाए। तो आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और बहुत अच्छा लगा तो शेयर करिए और ज़्यादा अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए कि आपके क्या विचार हैं करण अर्जुन 2 के बारे में। क्या ये मूवी आनी चाहिए, अगर आ रही है तो इसमें कौन सी हीरोइन होनी चाहिए, क्या सलमान शाहरुख ही होने चाहिए या कोई और हीरो इसमें होना चाहिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट ज़रूर करिए और ऐसे ही प्यार बांटते रहिए। मैं आपका प्यारा सा नन्ना सा दोस्त अंगद मल्होत्रा आपसे लेता हूँ अलविदा। शब्बा खैर। राकेश रोशन करण अर्जुन के रीमेक में सलमान और शाहरुख की जगह किसे कास्ट करना चाहते हैं और करण अर्जुन की वो कौन सी हीरोइन थी जिसने बॉलीवुड के दो बड़े खान्स को उनके डांस के लिए लताड़ दिया था। हेलो दोस्तों, मैं सोनिका स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज में। दोस्तों 1995 में एक फिल्म आई थी करण अर्जुन, बेहद पॉपुलर फिल्म है। फिल्म में शाहरुख और सलमान खान लीड रोल में थे
आज इस फिल्म को पूरे 25 साल हो चुके हैं और इसी खास मौके पर हम आपको इस फिल्म से जुड़े किस्से बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों में होता है, इस फिल्म की कास्टिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। डायरेक्टर राकेश रोशन सबसे पहले फिल्म में सलमान और आमिर खान को लेना चाहते थे। सलमान तो मान गए, लेकिन आमिर ने बोला कि फिल्म की कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो खुद को इसमें देख नहीं पा रहे, मतलब वो इस फिल्म से सेटिस्फाई नहीं थे। इसके बाद राकेश ने सलमान वाले कैरेक्टर के लिए अजय देवगन को भी अप्रोच किया था और दूसरे लीड के लिए शाहरुख खान को। इसके पीछे की वजह ये थी कि अजय लगातार दिलवाले, विजयपद, कानून और सुहाग जैसी एक्शन फिल्म में करने के बाद कोई रोमांटिक रोल करना चाहते थे, जबकि शाहरुख का मामला इससे ठीक उलट था। वो पहला नशा, कभी हाँ कभी ना, राम जाने और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी रोमांटिक फिल्मों के बाद कोई एक्शन फिल्म करना चाहते थे। राकेश रोशन की ये फिल्म दोनों के लिए ही भरपूर मसाला भरी थी, लेकिन अजय ने किसी वजह से ये फिल्म छोड़ दी और आखिर में फिल्म में सलमान और शाहरुख को साथ कास्ट किया गया। दोस्तों, फिल्म करण अर्जुन में एक गाना था, आजा आजा भंगड़ा पाले, इसे चिन्नी प्रकाश ने कोरियोग्राफ किया था। फिल्म में शाहरुख के साथ काजोल और सलमान के साथ ममता कुलकर्णी थी। गाने के एक हिस्से की शूटिंग खत्म होने के बाद ममता ने सीटी मारकर सलमान और शाहरुख को अपने पास बुलाया। पहले तो एक्टर्स को लगा किसी और को बुला रही होंगी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। सलमान ने शाहरुख को कहा कि वो हमें बुला रही है। शाहरुख जैसे ही ममता के पास पहुंचे, ममता ने हड़काना शुरू कर दिया। ममता ने कहा कि इस सीन में उनके स्टेप्स बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उन दोनों के डांस की वजह से ये गाना खराब हो रहा है। साथ ही अगले दिन से सेट पर रिहर्सल करके आने का आदेश दिया। वैसे सलमान और शाहरुख का मानना था कि हमने तो एकदम सही डांस किया था। इसके बाद से शाहरुख और सलमान रोज सुबह 5 बजे उठकर उस दिन शूट होने वाले किस्से की प्रैक्टिस करते और फिर सेट पर आते। जब इस गाने के आखिरी हिस्से की शूटिंग चल रही थी, तब कोरियोग्राफर ने ममता से कहा कि ये दोनों लड़के बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपके स्टेप्स गड़बड़ हैं। ये सलमान और शाहरुख के लिए बहुत प्राउड वाला मोमेंट था। वैसे करण अर्जुन सलमान की वो पहली एक्शन फिल्म थी जिसमें उन्होंने बॉडी बनाकर पहली बार अपनी शर्ट उतारी थी। इस फिल्म से पहले सलमान ने कोई प्रॉपर एक्शन फिल्म नहीं की थी, इसीलिए उनकी बॉडी भी कुछ खास नहीं थी। लेकिन इस फिल्म से पहले सलमान ने अपनी फिजिक पर बहुत काम किया और जबरदस्त बॉडी बनाई। इस फिल्म में उनकी बॉडी देखकर उनके डायरेक्टर भी काफी इम्प्रेस हुए थे। करण अर्जुन में असिस्टेंट रहे राकेश रोशन के बेटे ऋतिक कहो ना प्यार से बॉलीवुड में एंट्री लेने वाले थे, लेकिन तब उनकी फिजिक भी बिल्कुल लीन थी। राकेश के कहने पर सलमान ने ऋतिक को बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग भी दी थी। उसके बाद ऋतिक भी बिल्कुल फिटनेस फ्रीक हो गए और आज ऋतिक को बॉलीवुड के सबसे फिटेस्ट बॉडी वाले एक्टर में से एक माना जाता है। दोस्तों, हाल ही में जब राकेश रोशन से पूछा गया कि वो करण अर्जुन के सीक्वल में किसे लीड रोल के तौर पर कास्ट करना चाहेंगे, तो उन्होंने सलमान और शाहरुख का नाम नहीं लिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि फिल्म के रीमेक में वो ऋतिक और रणवीर कपूर की जोड़ी को लेना चाहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऋतिक और रणवीर सिंह की जोड़ी भी अच्छी लग सकती है। वर्ल्ड फ्रेंड की बात करें तो राकेश रोशन डायरेक्शन की दुनिया में क्रिश 4 से कमबैक करने जा रहे हैं, जिसमें ऋतिक रोशन लीड रोल में होंगे। साल 2003 की फिल्म कोई मिलिया के बाद साल 2006 में इसका सीक्वल आया जिसका नाम क्रिश था, और इसके बाद 2013 में आए क्रिश 3 और अब साल 2020 में क्रिश 4 को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। तो दोस्तों, आप करण अर्जुन के सीक्वल में किसे देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को। करण अर्जुन 2 को राकेश रोशन कब से शुरू करने वाले हैं? करण अर्जुन 2 में अमरीश पुरी वाला रोल कौन करेगा? इस 300 करोड़ी फिल्म की कहानी क्या है? करण अर्जुन 2 को लेकर सलमान खान और शाहरुख खान इतना ज्यादा उत्साहित क्यों हैं?
इस बार करण अर्जुन 2 में ऋतिक रोशन को कैमियो रोल के लिए क्यों लिया जा रहा है और वो कौन सी एक्ट्रेस है जिसने शाहरुख खान और सलमान खान को हड़काया और काजोल के साथ किस एक्ट्रेस को कास्ट किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा सिंह और आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बॉलीवुड में सलमान खान और शाहरुख की दोस्ती और दुश्मनी के किस्से तो मशहूर है। काफी वक्त तक चले झगड़े और मनमुटाव के बाद दोनों की एक बार फिर से दोस्ती हुई तो दोनों जहां दिख जाते थे वहां धमाल हो जाता था। लेकिन क्या आपको पता है ये दोस्ती शुरू कहां से हुई थी? चलिए हम बताते हैं, ये दोस्ती शुरू हुई थी एक फिल्म से और ये फिल्म थी करण अर्जुन। वहीं इसी फिल्म के बाद ही दोनों के बीच ऐसी दरार आई कि सालों तक बातचीत बंद हो गई। दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे और वहीं सालों की कोल्ड वार के बाद एक बार फिर से दोनों की दोस्ती हुई तो ऐसी दोस्ती हुई कि जब ये दोनों साथ दिख जाते हैं बस धमाल हो जाता है। और दोस्तों, आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। करण अर्जुन के सीक्वल में सलमान खान और शाहरुख खान ने काम करने के लिए राकेश रोशन को आश्वासन दे ही दिया, क्योंकि दोनों ही सितारों का स्टारडम अभी थोड़ा गर्दिश में है, क्योंकि पिछला 2018 इन दोनों के लिए कुछ खास नहीं रहा और इसलिए अपने स्टारडम को बचाने के लिए अपनी ही सुपरहिट फिल्म यानी कि करण अर्जुन के सीक्वल में स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। राकेश रोशन ने करण अर्जुन का सीक्वल काफी समय से बनाने का प्लान किया था और आखिरकार उनका सपना साकार होने जा रहा है और इसी सीक्वल के लिए ऋतिक रोशन भी अपनी हामी भर चुके हैं। जी हाँ, माना जा रहा है कि ऋतिक का एक कैमियो होगा जिसमें वो एक गाने पर परफॉर्म करते नजर आएंगे। लगभग ऋतिक रोशन पर 25 मिनट तक का रोल पोर्ट्रेट किया जाएगा। वहीं आपको बता दे कि अमरीश पुरी के रोल के लिए संजय दत्त से सलमान खान ने संपर्क साधा है। कुछ लोगों का मानना है कि इस रोल को प्रकाश राज करेंगे जिन्होंने सलमान के साथ दबंग और वांटेड में काम किया है। आपको बता दें कि इस फिल्म को लेकर दोनों खान इसलिए बहुत ज्यादा उत्साहित है क्योंकि इस बार की कहानी बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाली है और इस बार की भी कहानी पुनर्जन्म पर ही आधारित होगी। लेकिन इस कहानी को रियलिस्टिक बनाने के लिए एक की ध्वनि से इसकी कहानी का एडप्टेशन किया जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि 1000 साल बाद आसमान में 4 तारों का अभ्युदय होता है। तब उन 4 तारों के मिलन के समय जब किसी इंसान का जन्म होता है तो उन इंसानों की एनर्जी एक प्रकार की होती है, लेकिन जब आमना सामना होता है तो एनर्जी में घर्षण होता है और तब उनके इमोशंस आपस में टकराते हैं और इसी कॉन्सेप्ट पर करण अर्जुन 2 की कहानी नजर आएगी। दोस्तों, आपको बता दे कि शाहरुख के अपोजिट काजोल को ही लिया जा सकता है और वहीं सलमान खान के अपोजिट कैटरीना कैफ को लेने की संभावना बन रही है, क्योंकि सलमान खान अभी कैटरीना के करियर को लेकर सजग हो गए हैं और इसीलिए भाईजान की कोशिश है कि कैटरीना ज्यादा से ज्यादा उनकी ही फिल्में करें। वहीं दोस्तों, राकेश रोशन क्रिश 4 और क्रिश 5 के बाद इस फिल्म पर काम शुरू करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस बार इस मल्टी स्टार फिल्म को भव्य बनाने के लिए 300 करोड़ का बजट रखा गया है और माना जा रहा है कि ये फिल्म 2021 में रिलीज कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी करण अर्जुन के वो 5 मजेदार किस्से जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, करण अर्जुन वो पहली फिल्म थी जिसमें सलमान और शाहरुख की जोड़ी पहली बार पर्दे पर नजर आई थी। इन दोनों के अलावा फिल्म में काजोल, ममता कुलकर्णी, राखी और अमरीश पुरी भी मुख्य भूमिकाओं में थे। करण अर्जुन उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और इस फिल्म में भी शाहरुख और काजोल की जोड़ी नजर आई थी। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म पहले आमिर खान को ऑफर की गई थी और उन्हें इसकी कहानी भी पसंद थी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि बॉलीवुड की अधिकतर फिल्मों में होता है, इस फिल्म की कास्टिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। डायरेक्टर राकेश रोशन सबसे पहले फिल्म में सलमान और आमिर खान को लेना चाहते थे। सलमान तो मान गए, लेकिन आमिर ने बोला कि फिल्म की कहानी तो बहुत अच्छी है लेकिन वो खुद को इसमें देख नहीं पा रहे, मतलब वो इस फिल्म से सेटिस्फाइड नहीं थे। इसके बाद राकेश रोशन ने सलमान वाले कैरेक्टर के लिए अजय देवगन को अप्रोच किया और दूसरे लीड के लिए शाहरुख को। इसके पीछे की वजह ये थी कि अजय लगातार दिलवाले, विजयपथ, कानून और सुहाग जैसी एक्शन फिल्में करने के बाद कोई रोमांटिक रोल करना चाहते थे, जबकि शाहरुख का मामला इसके ठीक उल्टा था। वो पहला नशा, कभी हाँ कभी ना,
राम जाने और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी रोमांटिक फिल्मों के बाद कोई एक्शन फिल्म चाहते थे। राकेश रोशन की इस फिल्म में दोनों के लिए ही भरपूर मसाला था, लेकिन अजय ने किसी वजह से ये फिल्म छोड़ दी और आखिर में फिल्म सलमान और शाहरुख के साथ बनी। दोस्तों वही क्या आप जानते हैं कि जहां शाहरुख सीन में घुस जाते वहीं सलमान बीच में जाकर अपना चेहरा साफ करने लगते। जी हां, फिल्म के फर्स्ट हाफ में एक सीन है जहां दुर्जन सिंह करण अर्जुन का कत्ल कर देता है। वो सीन भरी दोपहरी में बालू पर शूट हो रहा था। एक्टर्स को शूट करने में बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि गर्मी बहुत थी, ऊपर से बालू पर गिरने से उनका मेकअप भी खराब हो जा रहा था और कई बार यूं होता कि शूटिंग के दौरान शाहरुख पूरी तरह से सीन में घुसे होते और सलमान बीच शॉट में अपना चेहरा साफ करने चले जाते। वो चाहते थे कि स्क्रीन पर उनका चेहरा अच्छा और साफ सुथरा दिखे और ये सीन इसी तरह शूट हुआ और फिल्म में लिया भी गया। दोस्तों अगर आज भी आप फिल्म देखें तो पाएंगे कि जहां शाहरुख के चेहरे पर बहुत सारी बालू चिपकी है वहीं सलमान के चेहरे पर सिर्फ पसीना है। करण अर्जुन की अधिकतर शूटिंग राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में हुई थी। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि फिल्म की लीड हीरोइन ने सलमान और शाहरुख को एक साथ झाड़ दिया था। जी हां, फिल्म करण अर्जुन में एक गाना है आजा आजा भंगड़ा पाले, इसे चिन्नी प्रकाश ने कोरियोग्राफ किया था। फिल्म में शाहरुख के साथ काजोल और सलमान के साथ ममता कुलकर्णी थी। गाने के एक हिस्से की शूटिंग खत्म होने के बाद ममता ने सीटी मारकर सलमान और शाहरुख को अपने पास बुलाया। पहले तो एक्ट्रेस को लगा किसी और को बुला रही होंगी, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। सलमान ने शाहरुख को कहा कि वह उन्हें बुला रही हैं। शाहरुख जैसे ही ममता के पास पहुंचे, ममता ने हड़काना शुरू कर दिया। ममता ने कहा कि इस सीन में उनके स्टेप्स बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन उन दोनों के डांस की वजह से ये गाना खराब हो रहा है। साथ ही अगले दिन से सेट पर रिहर्सल करके आने का भी आदेश दिया। वैसे सलमान खान और शाहरुख खान का मानना था कि हमने एकदम सही डांस किया है। दोस्तों इसके बाद शाहरुख और सलमान रोज सुबह 5 बजे उठकर उस दिन शूट होने वाले हिस्से की प्रैक्टिस करते और फिर सेट पर आते। जब इस गाने के आखिरी हिस्से की शूटिंग चल रही थी तब कोरियोग्राफर ने ममता से कहा कि ये दोनों लड़के बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपके स्टेप्स गड़बड़ हैं। और ये सलमान और शाहरुख के लिए प्राइड वाला मोमेंट था। दोस्तों वहीं फिल्म का सबसे हिट गाना शुरू में ही रिजेक्ट कर दिया गया था। जी हाँ, करण अर्जुन के लिए म्यूजिक बनाने का जिम्मा डायरेक्टर राकेश के भाई यानी कि राजेश रोशन को दिया गया था। राकेश एक दिन यूं ही फिल्म से रिजेक्ट किए गए सभी गाने सुनने लगे। उनमें से एक गाना उन्हें बहुत पसंद आ गया, उन्होंने उसे फिल्म में इस्तेमाल करने का मन बना लिया। राजेश का मानना था कि ये गाना अधूरा है और फिल्म के लिए फिट भी नहीं है, लेकिन राकेश के कहने पर वो गाना जबरदस्ती रिकॉर्ड किया गया और उसे फिल्माया गया शाहरुख और काजोल की हिट जोड़ी पर, और वो गाना रिलीज होने के बाद बहुत बड़ा हिट हुआ। दोस्तों गाने का नाम था जाती हूँ मैं जल्दी है क्या। दोस्तों वहीं इस फिल्म से पहले सलमान ने कोई प्रॉपर एक्शन फिल्म नहीं की थी, इसलिए उनकी बॉडी भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन इस फिल्म से पहले सलमान ने अपनी फिजिक पर बहुत काम किया और जबरदस्त बॉडी बनाई। इस फिल्म में उनकी बॉडी देखकर उनके डायरेक्टर भी बहुत इम्प्रेस हुए थे। करण अर्जुन में असिस्टेंट रहे राकेश रोशन के बेटे यानी कि ऋतिक कहो ना प्यार है से बॉलीवुड में एंट्री लेने वाले थे, लेकिन तब उनकी फिजिक भी बिल्कुल लीन थी। राकेश के कहने पर सलमान ने ऋतिक को बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी, उसके बाद ऋतिक भी बिल्कुल फिटनेस फ्रीक हो गए और आज ऋतिक को बॉलीवुड में सबसे फिट बॉडी वाला एक्टर माना जाता है। दोस्तों वहीं फिल्म की कहानी की बात करें तो गरीब दुर्गा अपने दो बेटे करण और अर्जुन के साथ गांव में रहती है। दोनों के पिता गांव के ठाकुर के बेटे के पुत्र हैं। उनके पिता के रिश्तेदार दुर्जन सिंह ने उनके पिता को मार दिया। जब उनके दादा गुजर जाते हैं तो दुर्जन सिंह पैतृक संपत्ति में उन्हें हिस्सा लेने से रोकने के लिए अपने सालों नहार और शमशेर से करण और अर्जुन को भी मरवा देता है। दुर्गा को सदमा लगता है और वो काली माँ से अपने बेटों को वापस लाने के लिए कहती है। दोस्तों करण और अर्जुन तभी दोबारा पुनर्जन्म लेते हैं। अर्जुन का विजय के रूप में पुनर्जन्म होता है और वो अमीर लड़की सोनिया यानी कि काजोल से प्यार करने लगता है। उसके पिता सक्सेना दुर्जन सिंह के साथ गैर कानूनी कार्य में लिप्त हैं और साथ ही उसकी शादी उसके बेटे सूरज से तय हो जाती है, जबकि करण का पुनर्जन्म अजय के रूप में होता है जो सक्सेना के लिए काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों करण और अर्जुन को अभी भी पिछले जन्मों में उनकी मौत के बारे में दुःस्वप्न आते हैं। सोनिया और सूरज की सगाई की पार्टी में विजय आता है और सूरज पर हमला करता है। अजय को विजय को मारने के लिए भेजा जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सक्सेना विजय को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन अजय अर्जुन भाग चिल्लाते हुए उसे रोक देता है और ये ऐसा कुछ है जिसे अजय ने अपने पिछले जन्म में विजय से कहा था।
अजय को जेल भेजा जाता है जबकि विजय बच निकलता है। वहीं सूरज से शादी करने के लिए सोनिया को जबरन दुर्जन के घर ले जाया जाता है। विजय अपने दोस्त के साथ उसे बचाने जाता है और वहाँ सब उसे अर्जुन कहकर बुलाते हैं। वो दुर्गा से मिलता है और उसे अपनी पहली जिंदगी का सब याद आ जाता है। वो फिर अजय को बचाता है और उसे सब बताता है, लेकिन वो उस कहानी को मानने से इनकार कर देता है। लेकिन जब दुर्जन के साले फिर दुर्गा पर हमला करते हैं, उसे भी सब याद आ जाता है। आखिर में अजय और विजय सब गुंडों को मार देते हैं और अपनी माँ के सामने दुर्जन सिंह का कत्ल कर देते हैं। और फिर करण अपनी प्रेमिका बिंदिया और अर्जुन सोनिया से विवाह कर लेते हैं और इस तरह हो जाती है फिल्म की हैप्पी एंडिंग। तो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप करण अर्जुन के सीक्वल के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप बॉलीवुड से रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को ढेर सारा लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। करण अर्जुन बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों में क्यों शामिल की गई है? क्या इस फिल्म का पार्ट टू बनेगा? सलमान खान ने किसके लिए बॉडी बनाकर पहली बार अपनी शर्ट उतारी थी? आमिर खान ने करण अर्जुन फिल्म क्यों नहीं की थी? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। करण अर्जुन वो पहली फिल्म थी जिसमें सलमान खान और शाहरुख की जोड़ी पर्दे पर पहली बार नजर आई थी। इन दोनों के अलावा इस फिल्म में काजोल, ममता कुलकर्णी, राखी और अमरीश पुरी भी मुख्य भूमिकाओं में थे। करण अर्जुन उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शाहरुख और काजोल की जोड़ी ही थी। ये फिल्म पहले आमिर को ऑफर हुई थी और उन्हें इसकी कहानी भी पसंद थी, लेकिन जैसा कि बॉलीवुड की अधिकतर फिल्मों में होता है, इस फिल्म की कास्टिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। डायरेक्टर राकेश रोशन सबसे पहले फिल्म में सलमान खान और आमिर खान को लेना चाहते थे। सलमान तो मान गए, लेकिन आमिर ने बोला कि फिल्म की कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो खुद को इसमें नहीं देख पा रहे हैं। मतलब वो इस फिल्म से सेटिस्फाइड नहीं थे। इसके बाद राकेश ने सलमान वाले कैरेक्टर यानी करण के लिए अजय देवगन को अप्रोच किया और दूसरे लीड के लिए शाहरुख को। इसके पीछे वजह ये थी कि अजय लगातार दिलवाले, विजयपथ, कानून, सुहाग जैसी एक्शन फिल्में करने के बाद कोई रोमांटिक रोल करना चाहते थे, जबकि शाहरुख का मामला ठीक उसके उलट था। वो पहला नशा, कभी हाँ कभी ना, राम जाने और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी रोमांटिक फिल्मों के बाद कोई एक्शन फिल्म चाहते थे। राकेश रोशन की इस फिल्म में दोनों के लिए भरपूर मसाला था, लेकिन अजय ने किसी वजह से ये फिल्म छोड़ दी। आखिर में फिल्म सलमान और शाहरुख के साथ बनी। जहां शाहरुख सीन में घुस जाते, वहीं सलमान बीच में जाकर अपना चेहरा साफ करने लगते। फिल्म के फर्स्ट हाफ में एक सीन है जहां दुर्जन सिंह करण अर्जुन का कत्ल कर देता है। वो सीन भरी दोपहरी में बालू पर शूट हो रहा था। एक्टर्स को शूट करने में बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि गर्मी बहुत थी। ऊपर से बालू पर गिरने से उनका मेकअप भी खराब हो जा रहा था। कई बार यूं होता कि शूटिंग के दौरान शाहरुख पूरी तरह से सीन में घुसे होते थे और सलमान बीच शॉट में अपना चेहरा साफ करने चले जाते। वो चाहते थे कि स्क्रीन पर उनका चेहरा अच्छा और साफ सुथरा दिखे। ये सीन इसी तरह शूट हुआ और फिल्म में भी लिया गया। आज भी आप फिल्म में देख पाएंगे जहां शाहरुख के चेहरे पर बहुत सारी बालू चिपकी है, वहीं सलमान के चेहरे पर सिर्फ पसीना है। करण अर्जुन की अधिकतर शूटिंग राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में हुई थी। फिल्म की लीड हीरोइन ने सलमान और शाहरुख को एक साथ झाड़ दिया था। फिल्म करण अर्जुन में एक गाना है, आजा आजा भंगड़ा पाले। इसे चिन्नी प्रकाश ने कोरियोग्राफ किया था। फिल्म में शाहरुख के साथ काजोल और सलमान के साथ ममता कुलकर्णी थी। गाने के एक हिस्से की शूटिंग खत्म होने के बाद ममता ने सीटी मारकर सलमान और शाहरुख को अपने पास बुलाया। पहले तो एक्टर्स को लगा किसी और को बुला रही होंगी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। सलमान ने शाहरुख को कहा कि वो उन्हें बुला रही हैं। शाहरुख जैसे ही ममता के पास पहुंचे, ममता ने हड़काना शुरू कर दिया। ममता ने कहा कि इस सीन में उनके स्टेप्स बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन उन दोनों के डांस की वजह से ये गाना खराब हो रहा है। साथ ही अगले दिन से सेट पर रिहर्सल करके आने का भी आदेश दिया।
वैसे सलमान और शाहरुख का मानना था कि हमने एकदम सही डांस किया है। इसके बाद से शाहरुख और सलमान रोज सुबह 5 बजे उठकर उस दिन शूट होने वाले हिस्से की प्रैक्टिस किया करते थे और फिर सेट पर जाते थे। जब इस गाने के आखिरी हिस्से की शूटिंग चल रही थी तब कोरियोग्राफर ने ममता से कहा कि ये दोनों लड़के बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपके स्टेप गड़बड़ हैं। ये सलमान और शाहरुख के लिए प्राइड वाला मूवमेंट था। फिल्म का सबसे हिट गाना शुरू में ही रिजेक्ट कर दिया गया था। करण अर्जुन के लिए म्यूजिक बनाने का जिम्मा डायरेक्टर राकेश के भाई राजेश रोशन को दिया गया था। राजेश एक दिन यूं ही फिल्म से रिजेक्ट किए गए सभी गाने सुनने लगे। उसमें से एक गाना उन्हें बहुत पसंद आया, उन्होंने उसे फिल्म में इस्तेमाल करने का मन बना लिया। राजेश का मानना था कि ये गाना अधूरा है और फिल्म के लिए फिट भी नहीं है, लेकिन राकेश के कहने पर वो गाना जबरदस्ती रिकॉर्ड किया गया, उसे फिल्माया गया और शाहरुख और काजोल की हिट जोड़ी पर वो गाना रिलीज होने के बाद बहुत हिट हुआ। गाना था जाती हूँ मैं जल्दी है क्या। सलमान ने इसी एक्शन फिल्म के लिए बॉडी बनाकर पहली बार अपनी शर्ट उतारी थी। इस फिल्म से पहले सलमान ने कोई प्रॉपर एक्शन फिल्म नहीं की थी, इसलिए उनकी बॉडी भी कुछ खास नहीं थी। लेकिन इस फिल्म से पहले सलमान ने अपनी फिजिक पर बहुत काम किया था और जबरदस्त बॉडी बनाई। इस फिल्म में उनकी बॉडी देखकर उनके डायरेक्टर भी बहुत इंप्रेस हुए थे। करण अर्जुन में असिस्टेंट रहे राकेश रोशन के बेटे ऋतिक ने कहो ना प्यार से बॉलीवुड में एंट्री लेने वाले थे, लेकिन तब उनकी फिजिक भी बिल्कुल लीन थी। राकेश रोशन के कहने पर सलमान ने ऋतिक को बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी। उसके बाद ऋतिक भी बिल्कुल फिटनेस फ्रीक हो गए। आज ऋतिक को बॉलीवुड में सबसे फिट बॉडी वाला एक्टर माना जाता है। तो दोस्तों ये तो तय है कि इस फिल्म का सीक्वल जरूर बनेगा और इस बार भी इस फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ही होंगे, लेकिन उनके अपोजिट किस एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा इस बात पर कोई खुलासा नहीं किया गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म के सीक्वल बनाने के लिए राइट्स को नए प्रोड्यूसर्स को बेच दिया है और इस फिल्म की कहानी पर अभी काम चल रहा है। जैसे ही इस फिल्म की स्क्रिप्ट बनकर तैयार होती है इसकी शूटिंग भी जल्द से जल्द शुरू की जाएगी और इस बार इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर शूट किया जाएगा, यानी कि इस फिल्म को हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी शूट किया जाएगा। और इस फिल्म में अमरीश पुरी वाला रोल कौन करेगा, यानी कि इस बार कौन सा खलनायक होगा, कौन सा नया चेहरा होगा खलनायक के रूप में, इस बात पर अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन सूत्रों की माने तो अभी एक नए खलनायक की तलाश जारी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, शाहरुख खान और सलमान खान दोनों मिलकर कुछ बड़ा धमाका कर पाएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शर्मिले खान ने किया सेक्स लाइफ पर खुलासा, ये 10 सुपरस्टार भी कम नहीं है। दिलचस्प बयान। दोस्तों बात जब बॉलीवुड से सुपरस्टार्स की आती है तो वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए चाहे जितने खुले हों लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को क्लोज ही रखना पसंद करते हैं। हालांकि उनके लाइफ की हर जुड़ी डिटेल जानने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। दरअसल आमिर खान ज्यादा शोज में तो नजर नहीं आते, लेकिन दूसरी बार करण जौहर के कॉफी विद करण में जरूर नजर आएंगे। अभी आमिर खान वाले एपिसोड का टेलीकास्ट बाकी है। हालांकि आमिर खान द्वारा किए गए कई खुलासे सामने आ रहे हैं। आमिर खान ने शो पर अपनी सेक्स लाइफ के बारे में खुलकर बात की। आमिर से करण ने जब पूछा कि क्या उन्होंने किसी के साथ शावर लिया है तो आमिर ने कहा कि वो अपनी पत्नी किरण राव के साथ हमेशा शावर लेते हैं। और वहीं बताया ये भी जा रहा है कि वे रिलेशनशिप में चीटिंग के सवालों पर भी जवाब देते नजर आएंगे। सिर्फ आमिर ही नहीं बॉलीवुड के कई स्टार्स अपनी सेक्स लाइफ पर ऐसे बयान दे चुके हैं कि सुनने वाले हैरान रह गए। इस लिस्ट में सलमान खान से लेकर रणवीर कपूर तक शामिल हैं। आगे जाने ऐसे ही 10 स्टार्स के बारे में और जाने अपनी प्राइवेट लाइफ पर क्या बोल गए ये स्टार्स। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सलमान खान। सलमान खान बॉलीवुड के वो एक्टर हैं जो फिल्मों में इंटीमेट सीन देने से बचते हैं। करण जौहर के टॉक शो पर सलमान खान ने एक सवाल के जवाब में ये बोलकर सबको चौंका दिया था कि हाँ मैं अब तक वर्जिन हूँ। उनके इस स्टेटमेंट पर खूब बवाल हुआ था। सलमान इस पर जमकर ट्रोल भी किए गए थे। अब बात करते हैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने भी अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में खुलासा करण जौहर के शो पर ही किया था। रणवीर के लिए सेक्स के बारे में बात करना कोई नई बात नहीं है। रणवीर पहले ही बता चुके हैं कि उन्होंने 15 साल की उम्र में अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। अब बात करते हैं रणवीर कपूर की। और वही इसी शो पर रणवीर सिंह के साथ रणवीर कपूर भी थे। रणवीर ने बताया कि उन्होंने 12 साल में ही अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। दोस्तों बात करते हैं विद्या बालन की। एक अवार्ड शो पर पहुंची विद्या ने एक सवाल के जवाब पर सभी को चौंका दिया था।
विद्या बालन ने स्टेज पर कहा था कि मुझे जो अच्छा लगता है उसका मजा सिर्फ रात को आता है। दोस्तों बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका ने भी करण जौहर के शो पर अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बात की थी। दोस्तों प्रियंका चोपड़ा ने करण के साथ शावर सेक्स, फोन सेक्स और एयरप्लेन सेक्स के बारे में बात की थी। अब बात करते हैं आलिया भट्ट की। वहीं एक इंटरव्यू में जब आलिया से पूछा गया कि उनकी फेवरेट सेक्स पोजीशन क्या है, तो उन्होंने बेझिझक होकर कहा कि वे एक साधारण लड़की है और उन्हें क्लासिक और सिंपल मिशनरी स्टाइल पसंद है। दोस्तों अब बात करते हैं भूमि पेडनेकर और आयुष्मान खुराना की। अपनी फिल्म शुभ मंगल सावधान के प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू में पहुंचे भूमि पेडनेकर और आयुष्मान खुराना ने एक दूसरे के टांग खींचते हुए कुछ ऐसा कह डाला कि सब हैरान हो गए। जब पूछा गया कि वे बिना सेक्स के कितने दिन रह सकते हैं, तो आयुष्मान खुराना ने कहा कि वे घर में रहते हुए बिना सेक्स के ज्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। वहीं मजाक में वे भूमि के बारे में बोले कि ये तो बिना सेक्स के एक घंटे तक से भी ज्यादा नहीं रह सकती। दोस्तों बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत भी अपने बोल्ड बयान से चौंका चुके हैं। सुशांत ने कहा था कि जब सेक्स की बात आती है तो वे बोल्ड तरीके आजमाना पसंद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी फेवरेट सेक्स पोजीशन भी बताई थी। दोस्तों बात करते हैं सोनम कपूर की। सोनम कपूर ने तो हद ही कर दी। धूपिया के टॉक शो में सोनम ने अपनी सेक्सुअल लाइफ के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने छोटे भाई हर्षवर्धन कपूर के बारे में बताया कि लड़कियों को लेकर हर्षवर्धन की पसंद काफी बुरी है। मैं मानती हूँ कि सेक्स के दौरान वो प्रोटेक्शन यूज करता होगा। तो उस तब बात करते हैं अर्जुन कपूर की। करण जौहर ने अपने शो कॉफी विद करण पर जब अर्जुन से ये सवाल पूछा कि सेक्स या फूड, तो इस पर अर्जुन ने जवाब दिया कि सेक्स, और अर्जुन ने ये भी कहा कि सेक्स प्यार से भी ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज। धन्यवाद। करण अर्जुन का सीक्वल क्यों बनने जा रहा है? करण अर्जुन की किस एक्ट्रेस का अंडरवर्ल्ड डॉन से जुड़ा था नाम और कैसे बर्बाद हो गया बॉलीवुड करियर? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर। आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। बॉलीवुड की दुनिया से निकलती रोशनी कुछ आंखों में जिंदगी भर सुकून भरती है, तो कुछ आंखों में एक वक्त के बाद महज स्याह मंजर की निशानी छोड़ देती है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकार हुए हैं जिन्हें वक्त ने उनके हिस्से की कामयाबी तो दी, मगर वो इसे ज्यादा देर तक संभालने में असफल रहे। ऐसा कहा जाता है कि इस नायाब दुनिया में स्टार बनने से ज़्यादा स्टारडम संभालना मुश्किल है। कई सितारों ने बहुत कम वक्त में बुलंदियों तक का सफ़र तय किया, मगर किसी न किसी वजह से वो इस मुकाम पर ज़्यादा देर तक ठहर नहीं पाए। तो इस लंबी फेरिश्त का एक नाम ममता कुलकर्णी है। 90 के दशक में अपनी अदाकारी और अपनी अदाओं से सबको मदहोश कर देने वाली एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी का जन्मदिन 20 अप्रैल को था। इस एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में कदम रखते ही सबको अपना दीवाना बना दिया। ममता ने साल 1992 में आई फिल्म तिरंगा से डेब्यू किया था। साल 1993 में आई फिल्म आशिक आवारा के लिए उन्हें फिल्म फेयर से नवाजा गया। उस जमाने में ममता ने खुद को एक बोल्ड अभिनेत्री के रूप में पेश किया था, जो खुद में एक चुनौती थी। 1993 में ही उन्होंने अपने टॉपलेस फोटोशूट से सनसनी मचा दी थी। इसके बाद इस अदाकारा के लिए कई दरवाजे खुलने लगे। हर फिल्म में ममता की डिमांड होने लगी और शोहरतों ने जिंदगी में हिस्सा लिया। कुछ वक्त बाद अचानक से ये स्टारडम, ये शोहरत सब मुंह मोड़कर जाने लगे और इस बाकमाल अदाकारा की जिंदगी अर्श से फर्श पर आ गई। कुछ वक्त के लिए ममता का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ जुड़ा, मगर फिर कुछ वक्त के बाद ड्रग तस्करी करने वाले विजय गोस्वामी के साथ ममता की शादी की खबर आई। पति के जेल जाने के बाद ममता भक्ति आराधना में अपना वक्त गुजारने लगी। इस दौरान उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिन नाम की एक किताब भी लिखी।
वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी हिट फिल्मों का चेहरा रही ममता आज फिल्मों की दुनिया से दूर हो चुकी हैं। कोरोना वायरस के इन दिनों में बॉलीवुड के दिग्गज भी खाली हैं और आने वाले समय के वास्ते तरह तरह की योजनाएं बनाई जा रही है। इनमें से कितनी योजनाएं रंग लगाएंगी पता नहीं, लेकिन बॉलीवुड में एक रोचक चर्चा ये चल रही है कि शाहरुख खान और सलमान खान को उनके एक पुराने एक्टर दोस्त ने एक साथ फिल्म में काम करने के लिए मना लिया है। जी हाँ, दोनों को फिल्म का आइडिया बेहद पसंद आया। वास्तव में शाहरुख खान, सलमान खान दोनों के फिल्मी करियर को पिछले कुछ समय में तगड़े झटके लगे हैं और उन्हें पुराने स्टारडम को हासिल करने के लिए बड़ी हिट फिल्म की जरूरत है। करण अर्जुन, हम तुम्हारे हैं सनम और कुछ कुछ होता है में साथ काम कर चुके शाहरुख सलमान 2017 में ट्यूबलाइट और 2018 में जीरो में एक दूसरे की फिल्मों में बतौर मेहमान कलाकार दिखे थे, लेकिन दर्शकों को इंतजार है ऐसी फिल्म का जिसमें वो दोनों बराबर नजर आए। खबर है कि शाहरुख और सलमान दोनों से बराबर दोस्ती निभाने वाले पूर्व एक्टर निखिल द्विवेदी ने इन सितारों को एक फिल्म में काम करने को राजी कर लिया है। जी हाँ, द्विवेदी के पास ऐसी स्क्रिप्ट है जिस पर दोनों एक्टर साथ काम करने के लिए रजामंद हो गए हैं। बात सिर्फ निर्देशक की है कि कौन इस फिल्म की बागडोर संभालेगा, क्योंकि आज के समय में सलमान और शाहरुख दोनों का ही स्टारडम काफी ज्यादा है। ये काम शायद कोरोना वायरस से हुए लॉकडाउन के खत्म होने पर हो जाएगा। वेल, और वो फिल्म कौन सी होगी जिसमें ये दोनों एक्टर नजर आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, करण अर्जुन के सीक्वल की चर्चा इतने दिनों से चल रही है और दर्शक भी इस फिल्म के सीक्वल को बेसब्री से देखने की उम्मीद रखते हैं कि जल्द ही उन्हें ये दोनों स्टार्स फिर से करण अर्जुन के सीक्वल में दिखाई देंगे। तो आप कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म के सीक्वल को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। क्या करण अर्जुन के सिक्वल में सन्नी देओल और अजय देवगन होंगे? करण अर्जुन के लिए राकेश रोशन की पहली पसंद कौन थी? करण अर्जुन के सिक्वल की शूटिंग कब से शुरू हो रही है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। 1995 में रिलीज हुई फिल्म करण अर्जुन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार सफलता हासिल की। इस मूवी में सलमान खान ने करण और शाहरुख खान ने अर्जुन का रोल अदा किया था। निर्देशक थे राकेश रोशन। लेकिन सलमान खान और शाहरुख खान इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे। राकेश रोशन ने अजय देवगन को करण और सनी देओल को अर्जुन का रोल ऑफर किया था। दोनों को रोल भी पसंद आ गए थे। सनी देओल उस समय बड़े सितारे थे, उन्होंने राकेश रोशन से बहुत ज्यादा फीस मांगी। राकेश रोशन कभी भी सितारों को उनका बाजार मूल नहीं देते थे, इसीलिए उन्होंने सनी की मांग को मानने से इनकार कर दिया। ना सनी ने भाव कम किए और ना राकेश ने भाव बढ़ाए। नतीजा यह निकला कि सनी और राकेश ने एक दूसरे के साथ काम करने का इरादा छोड़ दिया। सनी के फिल्म से अलग होते ही शाहरुख खान को अर्जुन का रोल ऑफर किया गया। राकेश रोशन ने फिर एक बार अजय और शाहरुख को स्क्रिप्ट सुनाई। इस बार अनोखी बात हुई, शाहरुख को करण के रोल में और अजय को अर्जुन के रोल में दम नजर आया। दोनों ने अपने रोल बदलने की गुजारिश की, लेकिन राकेश ने बात नहीं मानी। अब खफा होने की बारी अजय की थी। डेट्स का बहाना बनाकर अजय ने फिल्म छोड़ दी। राकेश का ये रुख देख अर्जुन का रोल करने के लिए शाहरुख राजी हो गए। करण का रोल आमिर खान को ऑफर किया, लेकिन उन्होंने फिल्म ठुकरा दी। आखिरकार अंत में ये भूमिका सलमान खान ने निभाई। फिल्म बनी और सुपरहिट रही। हीरोइन के रूप में फिल्म में काजोल और ममता कुलकर्णी नजर आई थी। ये दोनों भी पहली पसंद नहीं थी। जूही चावला और रवीना टंडन को फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन वे किसी कारण से कर नहीं पाई थी। अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो कहा जा रहा है कि राकेश रोशन चाहते हैं कि इसके सिक्वल में सनी देओल और अजय देवगन होने चाहिए, क्योंकि वो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। सनी देओल और अजय देवगन को अपने डायरेक्शन में वो एक साथ फिल्म।
करते देखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही एक्टर एक्शन और रोमांस और कॉमेडी इन सब चीजों से भरपूर है। शाहरुख और सलमान नहीं बल्कि करण अर्जुन के लिए कौन दो भाई थे डायरेक्टर राकेश रोशन की पहली पसंद? क्या करण अर्जुन के सीक्वल में सलमान खान और शाहरुख खान फिर से काम करेंगे? क्या इस लॉकडाउन के चलते डायरेक्टर राकेश रोशन ने इसके सीक्वल की कहानी लिख ली है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। 90 के दशक में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी करण अर्जुन, जिसे कोई नहीं भुला सकता। इस फिल्म से सलमान खान और शाहरुख खान के करियर को ऊंचाइयां मिली। ये उस वक्त इन दोनों के करियर के लिए काफी जरूरी फिल्म भी रही थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और दोनों ही स्टार्स की जुगलबंदी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और ये फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए सलमान खान और शाहरुख खान डायरेक्टर राकेश रोशन की पहली पसंद नहीं थे, बल्कि दो ऐसे भाई थे जो रियल ब्रदर थे, उनको डायरेक्टर राकेश रोशन इस फिल्म में लेना चाहते थे। तो वो कौन दो सगे भाई थे जिनको डायरेक्टर राकेश रोशन ने इस फिल्म में लेने की बात कही थी? सनी देओल को तो आप सभी जानते हैं। सनी देओल अपने टाइम के काफी अच्छे एक्टर रहे हैं, उनकी कई हिट फिल्में रही हैं जो लोगों को आज भी याद रहती है। उनका वो लुक सबको याद रहता है, उनका एंग्री लुक, उनके डायलॉग्स हर किसी की जुबान पर रहते हैं। 1983 में उन्होंने फिल्म बेताब से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें उनके साथ अमृता सिंह नजर आई थी और ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के गाने भी काफी ज्यादा पसंद किए गए थे। तो वहीं सनी देओल के भाई यानी कि बॉबी देओल ने 1995 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था फिल्म बरसात से। ये फिल्म भी उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही थी और दर्शकों ने इस फिल्म को भी खूब पसंद किया और इसके गाने भी खूब ज्यादा हिट हुए थे। वहीं क्या आप जानते हैं कि डायरेक्टर राकेश रोशन इन दोनों भाइयों को करण अर्जुन में लेना चाहते थे? जी हाँ, रियल ब्रदर्स को। लेकिन जब राकेश रोशन सनी देओल के पास इस फिल्म का ऑफर लेकर गए तो सनी देओल ने फिल्म में काम करने के लिए तो हाँ कर दी, उनको स्क्रिप्ट भी काफी पसंद आई। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म में बॉबी देओल को भी कास्ट किया जा रहा है तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि वो अपने भाई के साथ फिल्म में काम नहीं करना चाहते थे। इसके बाद राकेश रोशन गए अजय देवगन के पास। अजय देवगन ने भी इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया क्योंकि वो शाहरुख खान के साथ काम नहीं करना चाहते थे। इसीलिए फाइनली इस फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान को कास्ट किया गया और फिल्म आप सबके सामने है कि ये फिल्म कितनी बड़ी हिट रही है। वो कहते हैं ना, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। शायद ये फिल्म अजय देवगन या बॉबी देओल या सनी देओल की किस्मत में ही नहीं थी, ये फिल्म सलमान खान और शाहरुख खान के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। और कई दिनों से इस फिल्म के सीक्वल की चर्चा भी बॉलीवुड में जोरों से हो रही है और सब चाहते भी हैं कि इस फिल्म का सीक्वल बनाया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी बॉलीवुड कल्ट फिल्म रही है तो जाहिर सी बात है फिल्म का सीक्वल जरूर बनना चाहिए। इनफैक्ट इन दिनों ऐसी चर्चा हो रही है कि राकेश रोशन शायद इस लॉकडाउन के चलते इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और हो सकता है कि इस लॉकडाउन के खत्म होने के बाद इस फिल्म की हमें अनाउंसमेंट भी सुनने को मिल जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब करण अर्जुन फिल्म बनी थी तब शाहरुख खान और सलमान खान इतने बड़े स्टार्स नहीं थे, उन दोनों ने साथ में काम कर लिया था, उतनी दिक्कतें नहीं आई। लेकिन क्या आज इस समय जब वो बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार्स बन चुके हैं, क्या वो एक साथ इस फिल्म में काम करने को राजी होंगे या किसी और को कास्ट किया जाएगा? वेल, आप क्या चाहते हैं? क्या आप सलमान खान और शाहरुख खान को ही इस फिल्म में देखना चाहते हैं या आपको क्या लगता है इन दोनों की जगह और कौन स्टार्स ले सकता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज। करण अर्जुन बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों में क्यों शामिल की गई है? क्या इस फिल्म का पार्ट टू बनेगा? सलमान खान ने किसके लिए बॉडी बनाकर पहली बार अपनी शर्ट उतारी थी? आमिर खान ने करण अर्जुन फिल्म क्यों नहीं की थी? जी हां दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज की
इस नई अपडेट में। करण अर्जुन वो पहली फिल्म थी जिसमें सलमान खान और शाहरुख की जोड़ी पर्दे पर पहली बार नजर आई थी। इन दोनों के अलावा इस फिल्म में काजोल, ममता कुलकर्णी, राखी और अमरीश पुरी भी मुख्य भूमिकाओं में थे। करण अर्जुन उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शाहरुख और काजोल की जोड़ी ही थी। ये फिल्म पहले आमिर को ऑफर हुई थी और उन्हें इसकी कहानी भी पसंद थी, लेकिन जैसा कि बॉलीवुड की अधिकतर फिल्मों में होता है, इस फिल्म की कास्टिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। डायरेक्टर राकेश रोशन सबसे पहले फिल्म में सलमान खान और आमिर खान को लेना चाहते थे। सलमान तो मान गए, लेकिन आमिर ने बोला कि फिल्म की कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो खुद को इसमें नहीं देख पा रहे हैं, मतलब वो इस फिल्म से सेटिस्फाइड नहीं थे। इसके बाद राकेश ने सलमान वाले कैरेक्टर यानी करण के लिए अजय देवगन को अप्रोच किया और दूसरे लीड के लिए शाहरुख को। इसके पीछे वजह ये थी कि अजय लगातार दिलवाले, विजयपत, कानून, सुहाग जैसी एक्शन फिल्में करने के बाद कोई रोमांटिक रोल करना चाहते थे, जबकि शाहरुख का मामला ठीक उसके उलट था। वो पहला नशा, कभी हाँ कभी ना, राम जाने और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी रोमांटिक फिल्मों के बाद कोई एक्शन फिल्म चाहते थे। राकेश रोशन की इस फिल्म में दोनों के लिए भरपूर मसाला था, लेकिन अजय ने किसी वजह से ये फिल्म छोड़ दी। आखिर में फिल्म सलमान और शाहरुख के साथ बनी। जहां शाहरुख सीन में घुस जाते, वहीं सलमान बीच में जाकर अपना चेहरा साफ करने लगते। फिल्म के फर्स्ट हाफ में एक सीन है जहां दुर्जन सिंह करण अर्जुन का कत्ल कर देता है। वो सीन भरी दोपहरी में बालू पर शूट हो रहा था। एक्टर्स को शूट करने में बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि गर्मी बहुत थी। ऊपर से बालू पर गिरने से उनका मेकअप भी खराब हो जा रहा था। कई बार यूं होता कि शूटिंग के दौरान शाहरुख पूरी तरह से सीन में घुसे होते थे और सलमान बीच शॉट में अपना चेहरा साफ करने चले जाते। वो चाहते थे कि स्क्रीन पर उनका चेहरा अच्छा और साफ सुथरा दिखे। ये सीन इसी तरह शूट हुआ और फिल्म में भी लिया गया। आज भी आप फिल्म में देख पाएंगे जहां शाहरुख के चेहरे पर बहुत सारी बालू चिपकी है, वहीं सलमान के चेहरे पर सिर्फ पसीना है। करण अर्जुन की अधिकतर शूटिंग राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में हुई थी। फिल्म की लीड हीरोइन ने सलमान और शाहरुख को एक साथ झाड़ दिया था। फिल्म करण अर्जुन में एक गाना है, आजा आजा भंगड़ा पाले। इसे चिन्नी प्रकाश ने कोरियोग्राफ किया था। फिल्म में शाहरुख के साथ काजोल और सलमान के साथ ममता कुलकर्णी थी। गाने के एक हिस्से की शूटिंग खत्म होने के बाद ममता ने सीटी मारकर सलमान और शाहरुख को अपने पास बुलाया। पहले तो एक्टर्स को लगा किसी और को बुला रही होंगी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। सलमान ने शाहरुख को कहा कि वो उन्हें बुला रही हैं। शाहरुख जैसे ही ममता के पास पहुंचे, ममता ने हड़काना शुरू कर दिया। ममता ने कहा कि इस सीन में उनके स्टेप्स बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन उन दोनों के डांस की वजह से ये गाना खराब हो रहा है। साथ ही अगले दिन से सेट पर रिहर्सल करके आने का भी आदेश दिया। वैसे सलमान और शाहरुख का मानना था कि हमने एकदम सही डांस किया है। इसके बाद से शाहरुख और सलमान रोज सुबह 5 बजे उठकर उस दिन शूट होने वाले हिस्से की प्रैक्टिस किया करते थे और फिर सेट पर जाते थे। जब इस गाने के आखिरी हिस्से की शूटिंग चल रही थी, तब कोरियोग्राफर ने ममता से कहा कि ये दोनों लड़के बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपके स्टेप गड़बड़ हैं। ये सलमान और शाहरुख के लिए प्राइड वाला मूवमेंट था। फिल्म का सबसे हिट गाना शुरू में ही रिजेक्ट कर दिया गया था। करण अर्जुन के लिए म्यूजिक बनाने का जिम्मा डायरेक्टर राकेश के भाई राजेश रोशन को दिया गया था। राजेश एक दिन यूं ही फिल्म से रिजेक्ट किए गए सभी गाने सुनने लगे। उसमें से एक गाना उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने उसे फिल्म में इस्तेमाल करने का मन बना लिया। राजेश का मानना था कि ये गाना अधूरा है और फिल्म के लिए फिट भी नहीं है, लेकिन राकेश के कहने पर वो गाना जबरदस्ती रिकॉर्ड किया गया, उसे फिल्माया गया और शाहरुख और काजोल की हिट जोड़ी पर वो गाना रिलीज होने के बाद बहुत हिट हुआ। गाना था जाती हूं मैं, जल्दी है क्या। सलमान ने इसी एक्शन फिल्म के लिए बॉडी बनाकर पहली बार अपनी शर्ट उतारी थी। इस फिल्म से पहले सलमान ने कोई प्रॉपर एक्शन फिल्म नहीं की थी, इसलिए उनकी बॉडी भी कुछ खास नहीं थी। लेकिन इस फिल्म से पहले सलमान ने अपनी फिजिक पर बहुत काम किया था और जबरदस्त बॉडी बनाई। इस फिल्म में उनकी बॉडी देखकर उनके डायरेक्टर भी बहुत इंप्रेस हुए थे। करण अर्जुन में असिस्टेंट रहे राकेश रोशन के बेटे ऋतिक ने कहो ना प्यार से बॉलीवुड में एंट्री लेने वाले थे, लेकिन तब उनकी फिजिक भी बिल्कुल लीन थी। राकेश रोशन के कहने पर सलमान ने ऋतिक को बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी। उसके बाद ऋतिक भी बिल्कुल फिटनेस फ्रीक हो गए।
आज ऋतिक को बॉलीवुड में सबसे फिट बॉडी वाला एक्टर माना जाता है। तो दोस्तों ये तो तय है कि इस फिल्म का सीक्वल जरूर बनेगा और इस बार भी इस फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ही होंगे, लेकिन उनके अपोजिट किस एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा इस बात पर कोई खुलासा नहीं किया गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म के सीक्वल बनाने के लिए राइट्स को नए प्रोड्यूसर्स को बेच दिया है और इस फिल्म की कहानी पर अभी काम चल रहा है। जैसे ही इस फिल्म की स्क्रिप्ट बनकर तैयार होती है इसकी शूटिंग भी जल्द से जल्द शुरू की जाएगी और इस बार इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर शूट किया जाएगा, यानी कि इस फिल्म को हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी शूट किया जाएगा। और इस फिल्म में अमरीश पुरी वाला रोल कौन करेगा, यानी कि इस बार कौन सा खलनायक होगा, कौन सा नया चेहरा होगा खलनायक के रूप में, इस बात पर अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन सूत्रों की माने तो अभी एक नए खलनायक की तलाश जारी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, शाहरुख खान और सलमान खान दोनों मिलकर कुछ बड़ा धमाका कर पाएंगे या नहीं, आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज़।